धन्वंतरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। अभी हम गुरुकुल के विषय पर बात कर रहे थे। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इस सदी की, ये सदी का सबसे बड़ा कार्य का प्रकल्प। कुछ पर जो विचार करना है तो वो कहते हैं कि सभी का आरंभ मूल से होता है, उसी तरह से सभी व्यवस्थाओं का मूल वो गुरुकुल शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा से मनुष्य का निर्माण है और मनुष्य से बाकी और चीजों का निर्माण है। बाकी सब कुछ निर्माण हो जाए लेकिन मनुष्य का निर्माण नहीं हो पाया तो वो सब का कोई तात्विक अर्थ नहीं रह पाता है। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा केवल स्वावलंबन के लिए हो या केवल छोटे से ध्येय लक्ष्य के लिए हो, ऐसा नहीं है। गुरुकुल शिक्षा स्वदेशी है, इसके लिए भी लेना है, ऐसा भी नहीं। उसमें बहुत कुछ तत्वज्ञान है, बहुत कुछ मनोविज्ञान का विचार है और सदियों से भारत ने वो बचाया है, सदियों उसके ऊपर चिंतन किया है और एक जो निकल कर बाहर आया है मक्खन, जिसको कहते हैं सार कहते हैं, वो शिक्षा है जो मनुष्य को उत्तम बनाती है। जैसे ही गुरुकुल शिक्षा का परिणाम, कोई भी प्रकार की शिक्षा का परिणाम सबसे ज्यादा किस पे देखता है? परिवार पर और आगे जाकर समाज। आप कोई भी परिवार की स्थिति देखकर अनुमान कर सकते हैं कि शिक्षा कैसी होगी और कोई भी समाज की स्थिति देखकर अनुमान कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी शिक्षा की। आज हम हर एक परिवार में देखते हैं तो परिवार में सामंजस्य नहीं है, परिवार में कैसे रहना है वो शिक्षा का पहला वो डिफरेंशिएट करता है पशु से, क्योंकि पशु के पास नहीं कोई समाज है नहीं कोई परिवार है। इसके लिए पशुओं के समूह को समझ कहते हैं और मनुष्य को, मनुष्य के जो मनुष्य का समूह है उसको समाज कहते हैं। पशुनाम संघ समझ मनुष्याणाम च समाज, पशुनाम संघ पशुओं का संघ है उसको क्या कहते हैं? समझ कहते हैं। और मनुष्यों का जो समाज है उसको, मनुष्य का जो संघ है समूह है उसको समाज कहते हैं। तो इसके लिए मनुष्य का निर्माण ये सदी की सबसे बड़ी मूवमेंट है और गुरुकुल ये कोई इवेंट नहीं कि चलो एक आ गया, एक हो गया तो बस काम पूरा हो गया। वो अविरत चलने वाली मूवमेंट है। शुरुआत कहाँ से है? तो पहले से गुरुजी ने बताया गर्भ संस्कार के शुरुआत है। जितनी पहले शुरुआत होगी उतना ही अच्छा और इतना ही बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए गर्भ संस्कार, उसके बाद आता है वो माता पिता का रोल आता है। गर्भ संस्कार वो तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर व्यक्ति आता है, उसके अनुसार अनुकूल वातावरण मिलता है, उसके बाद इसका रोल आता है माता का और पिता का, वो तैयार करते हैं गुरुकुल के जाने की। तो इसके लिए क्या क्या करना है? लोग कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, तो सिंपल हम उदाहरण समझते हैं कि क्या शादी में क्या चाहिए। बड़ा हॉल चाहिए, ढोल नगारे चाहिए, बराबर है, डीजी का चाहिए, मतलब साउंड चाहिए, वो नगारे वाले चाहिए, या फिर बहुत बड़े शो चाहिए, फैशन शो, क्या क्या होना। सेलिब्रिटीज होती है तो लाखों लोग उसकी शादी में जाते हैं। तो शादी सफल कब है? कब सफल है? पता है आपको, ऋत्विक रोशन की शादी में हजारों लोग आए। मैं हीरो के इसके लिए उदाहरण देता हूँ क्योंकि आपको तुरंत समझ, मैं अभी वशिष्ठ की बात करूं तो समझ नहीं आए, लेकिन ऋत्विक रोशन की, फिर उसका डाइवोर्स, हजारों लोग आए उसका क्या महत्व, बराबर। अब पांच लोग है ठीक है, 25 लोग है ठीक है, हजारों लोग आए शादी में और वो शादी में समर्पण न हो स्त्री का और पुरुष में कोई भी प्रकार का मैच्योरिटी न हो, समझ न हो, तो वो शादी का क्या अर्थ रहेगा? हजारों लाखों लोग आए वो शादी में, सेलिब्रेशन किया, सब कुछ हुआ, क्या अर्थ है? तो वो कोई अर्थ नहीं रह पाता है। इसके लिए परिवार में मुख्य दो गुण चाहिए। व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है, परिवार के साथ जीना है, पशु परिवार के साथ नहीं जीता है। इसके लिए पशु में वो दो गुण अपेक्षित नहीं, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं, पारिवारिक प्राणी है। वो अधूरी व्याख्या है, मनुष्य सामाजिक प्राणी, मैन है सोशल एनिमल, ये अधूरी व्याख्या है, मैन है वो पारिवारिक एनिमल। वो
मुख्यता से वो परिवार पर निर्भर, परस्पर अवलंबन हो, तब वो पूर्ण होता है। उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए उनमें दो मुख्य जो किसी भी सोसाइटी के लिए चाहिए, जो गुरुकुल पे शुरुआत में सिखाया जाता था, हर घर पे सिखाया जाता था, ऐसे दो, एक कृतज्ञता का और दूसरा सहनशीलता का। ये दो गुण यदि मनुष्य में से जितने चले जाएंगे, उतना मनुष्य, उतने लेवल पर मनुष्य ही चला जाएगा, उसका मनुष्यत्व चला जाएगा। आज जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता जाता है, उतना उतना धीरे धीरे वो डॉक्टर बनता जाता है, मनुष्य मिटता जाता है। इसके लिए वो आराम से कहता है कि आप 5 लाख रुपया इसका ऑपरेशन का होगा। आप बताते हो 5 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, तो वो बताता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जान चली जाएगी। बोले जाने दो, मनुष्य की वैल्यू नहीं है, मनुष्य से भी ज्यादा पैसे की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य मिटता गया, डॉक्टर बनता गया। तो सारी की सारी डिग्रियां है, सारे के सारे जो एजुकेशन अभी का, वो पूरा का पूरा मनुष्यत्व की कब्र पर खड़ा हुआ है। और ये मैं बहुत कुछ अनुभवी लोगों से, बहुत डॉक्टरों से, मैं हजारों डॉक्टरों से शायद मिला होता, मैं मिला हूँ, बहुत सारे PhD को मिला हूँ, इंजीनियर से मिला हूँ, IT फील्ड वालों के मिला हूँ, क्योंकि गुरुजी रहे तब तक से लेकर अब तक मेरी यात्रा बहुत सारे एजुकेटेड लोगों के साथ रही। और व्याख्यानों में मेरे कॉमन पब्लिक तो बहुत कम होती है, जिसको आप कॉमन मानते हो, जो गांव की मतलब सिटी में रहने वाले भी छोटे छोटे नाटक देखते हैं या कुछ चुटकुले देख लेते हैं, हंसी मजाक, ऐसी पब्लिक नहीं देखती, ऐसे लोग नहीं है। मैच्योर लोग है जिसके पास तो कम से कम मास्टर डिग्री, वो लोग नियमित व्याख्यान सुनते हैं, उसके प्रश्न सॉल्व करने को गुरुकुल पे आते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का कार्य बहुत बड़ा कार्य है और इसकी गंभीरता हम समझते हैं। गुरुजी के पास तो इतने लोग, इतने इतने बड़े तत्वज्ञानी, वेदांती से लेकर इतने आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, एलोपैथ के डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी, जितनी बौद्धिकता आप में होगी उतना आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो दो गुण आपके परिवार को, बच्चों को देना है, उसके बाद गुरुकुल पे लाना है। तो जैसे शादी के लिए एक समर्पण चाहिए स्त्री का, और पुरुष की मैच्योरिटी समझ चाहिए उसका, इसको हम कर्तृत्व कह सकते हैं, इसको हम पुरुषार्थ कह सकते हैं पुरुष का, तो ये पुरुष में चाहिए। स्त्री में समर्पण का गुण चाहिए तो ये शादी पूर्ण हो। ये चाहे होल हो ना हो, बैंड बाजे वाले हो ना हो, गौर महाराज हो ना हो, बराबर कुछ ना हो, ये दो हो तो बस, कहीं पर भी है ये शादी ही कहती है, क्योंकि ये दो उसके मूल में चाहिए, ऐसा ऋषि मुनि बताया। उसी तरह से गुरुकुल पे आने के लिए बच्चों को दो की तैयारी चाहिए, दो गुण की। क्या क्या चाहिए उसके लिए? एक सहनशीलता चाहिए, सहन करके आना है और आकर सहन करना है। जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो कहीं पर भी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सहनशीलता का गुण मनुष्य को लेना ही पड़ेगा। प्रेम से उठाए, भाव से उठाए तो ठीक है, जोर जबरदस्ती भी सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जिस समाज में रहता है, जहां रहता है, वो जितनी समझ सहनशीलता बढ़ेगी अपना विकास होता जाएगा, और जितना विकास होता जाएगा सहनशीलता बढ़ती जाएगी। तो मैं क्यों सहन करूं किसी का, वो बात ही नहीं होती है, मैं मेरे विकास के लिए सहन करता हूं। आज स्त्रियों को क्या, खास करके जो शिक्षण दिया जाना चाहिए स्त्रियों को, वो हमने नहीं दिया, बहनों को नहीं दिया। वो बताती है मैं क्यों करूं सहन। अब सहन करना ये बहुत छोटी सी बात है या दुर्बलता की बात है, ऐसा मना है कि कोई सुन लेता है आपकी तो वो तो दुर्बल है, और कह देता है वो बहुत बहादुर है। मानो किसी ने सास के सामने कह दिया, किसी ने बाप के सामने बोल दिया, किसी ने अपने बुजुर्ग के सामने, वडील के सामने बोल दिया, तो उसको मानते वो तो बहुत बड़ा आदमी, वो तो बहुत सुरवीर है, बहुत हिम्मत वाला है, जबकि ये एक शर्म की बात, क्योंकि ये सहनशीलता का अभाव दिखाता है। और गुरुकुल में बच्चे आते हैं, एक गुण हम उसमें, एक बहुत सारे गुणों में से एक गुण की जो अभी के समय से कमी लगती है, जो हमको खूंचती है यहाँ, वो है कि वो सहन करना सिखाया ही, कि कुछ भी हो आपको सहन करना। पहले के माता पिता का ये गुण था, जो पहले करते थे कि कोई मानो की फरियाद करती थी कि सास ऐसा कह रहे, ससुर ऐसा कह रहे, मैं क्या करूं, रोने लगती थी। स्त्री का ऐसा सहज स्वभाव होता है, उसकी ऐसी साइकोलॉजी होती है, मैं एक स्त्री की बात, पुरुष का भी ऐसा ही होता है,
आप मत समझिए कि पुरुष कोई बहुत बड़ा तत्व ज्ञानी हो गया है। तो मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूँ क्योंकि वो आप समझ में आते हैं। तो वो कहती है, हम कहते हैं कि ऐसे ही है, आप कह दो उसको, उसको बोल देना चाहिए, उसको ऐसा कर देना चाहिए, हम देख लेंगे उसको। तो आप मानो आप उसको बोल नहीं रहे हो, आप उसको घर को जला रहे हो, बराबर। ये पेट्रोल डाल रहे हो आप, आपके शब्द नहीं जा रहा है, आपके शब्द के थ्रू पेट्रोल जा रहा है, केरोसिन जा रहा है, अब वो आग लगेगी घर को, बराबर। उसी समय यदि कहते कि सहन तो देखो सीता को भी करना पड़ा, द्रौपदी को भी करना पड़ता है, राजा महाराजा का भी, उसको भी सहन करना पड़ता है, और यदि इस जन्म कितना सहन करना है, एक ही व्यक्ति का ना, दो ही व्यक्ति का ना, और यदि इस बार सहन नहीं किया तो अगली बार हो सकता है कर्म से कुत्ते का अवतार आ जाए। हम तो मानते हैं पुनर्जन्म किसी का भी आ सकता है, कुत्ते का आ जाए तो आपको किन किन लोगों का सहन नहीं करना पड़ेगा, कोई रास्ते में से जाएगा आपको लात मार देगा, कोई लकड़ी मारकर चला जाएगा, आप बोलने के अलावा और क्या कर सकते हो, कोई भी आपको पत्थर उठाकर मार देगा, आप क्या कर सकोगे। सहन करना ये बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा विश्व हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो सहनशीलता का गुण जो बालक को की प्रतिभा को निखार देता है, भविष्य में उसका पूरे की पूरी पर्सनालिटी को एक नया रूप देता है, उनके सफलता के चार चांद लगाता है कोई भी क्षेत्र में, वो सबसे बड़ा गुण है वो मनुष्य का, वो है सहनशीलता का। और ये बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि जिसको पत्नी और पति या अनुकूल जीवन साथी या माता पिता ऐसे सहनशील मिले, वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो सौभाग्य रिलायंस के पास नहीं होता है, वो टाटा बिरला के पास नहीं होता है, वो सौभाग्य पुण्य से, पूर्व पुण्य से मिलता है। तो वो सहनशीलता वाली व्यक्ति चाहिए, वो निर्माण करने का काम गुरुकुल करता है, और बहुत बड़ी समझ चाहिए इसके लिए। तो ये घर पर तैयार करने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सहनशील बनाए। सहनशील बनाएंगे कोई तकलीफ नहीं है, गुरुकुल में क्या वो कहीं पर भी जाएगा कोई तकलीफ नहीं है, और यदि सहन करना नहीं सिखाया पल पल पर तकलीफ है, आप जीवन भर उसके साथ रहने वाले नहीं हो। वो तत्व ज्ञान वो आपको समझना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, गीता कहती है कि रोज आप ऐसा सोचो कि आज मेरा अंतिम दिन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, तो आप नहीं होंगे तब क्या होगा। तो इसके लिए उसको सहन करना ये बहुत बड़ा गुण है, वो सिखाइए। किसी भी प्रकार से उसको आर्टिफिशियली सहन करना है, कोई भी बात उसको, कोई भी आपत्ति आए क्रिएट करिए, उसको सहन करना आना चाहिए। वो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मैं कुछ सहन नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ी दुर्बलता है। और लड़कियों को जब ये हम सुनते हैं, खास करके लड़कों को भी मैं बताता हूँ, लेकिन लड़कियों को जब सुनते हैं कि ये सहन, तब क्या हालत हो, आगे कैसे परिवार को संभालेगी, आगे कैसे प्रेम को संभालेगी, ऐसे कैसे। उसको तो एक मुख्य गुण है प्रेम उसका, उसको सहन करना बिल्कुल सहज होना चाहिए। इसके लिए घर पे सबसे बड़ी तैयारी करानी है वो सहन करने की तैयारी कर, उसका एक तत्व ज्ञान है, वो निखार आएगा जीवन। आप कोई बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ाए चलेगा, लेकिन उसको सहन करना सिखा दीजिए, क्योंकि सहन करना जीवन में हर एक क्षेत्र पर वो गुण बहुत कार्य करता है। और दूसरा गुण सबसे महत्व का है, वो कृतज्ञता का है। आज बच्चों में जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता जाता है, जितना ज्यादा पढ़ा हुआ उतना ज्यादा कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता, किसी का भी हमने उपकार लिया हो तो वो उपकार को याद रखना और उसको रिस्पॉन्स करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, ये तैतरीय उपनिषद में जब आया कि वेद मनुचाचार्यो अन्तेवासिनम अनुशास्ति, वेद मनुचाचार्यो, वेद अनुचाचार्य जो है आचार्य है, वो कैसे कहते, विदा जब लेता है शिष्य तो कितना प्रेम से वो जीवन का उपदेश दे रहे,
वो उपदेश में क्या दे रहे हैं। हम प्रतिदिन यहाँ उपनिषद का पाठ करते हैं तो वो प्रतिदिन बताते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये कह रहे हैं कि माता ने तेरे ऊपर जो प्रेम किया है, जो तेरे ऊपर उपकार किया है, वो यदि तू भूल जाता है तो तुझसे बदतर तू पशु से भी गया बीता। पिता को तू भूल जाता है तो तू पशु से भी तेरी लायकात कुछ नहीं, तू गया बीता व्यक्ति। मनुष्य में ये कृतज्ञता है, इसके लिए परिवार टिका है। क्योंकि जब जरूरत नहीं है माँ की तब माँ को रखना, और पिता की जब जरूरत नहीं है तब पिता को रखना, वो कृतज्ञता होती। हो सकता है पिता से गलती हो, 60 की बुद्धि होती है तो वो बहुत सारी चंचल हो जाती। जो व्यक्ति ने युवा अवस्था में तत्वज्ञान को नहीं पढ़ा उसकी वृद्धावस्था वास्तव में दयनीय होती। वो चाहे करोड़ों पति क्यों ना हो जाए, जीवन जिसका युवा है और तत्वज्ञानी है इसकी वृद्धावस्था को 4 चांद। इसके लिए बताया है अलंकरोति ही जरा, अलंकार किसको कर देती है जरा, वृद्धावस्था जिसको खिल्ला देती है। वो कैसे है, राजा मात्य विशग्यति, राजा को सही अर्थ में है तो अमात्य को भिषक, वैद्य को, वे जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना अनुभव का ज्ञान उसके पास आता जाएगा, और यति सन्यासी, क्योंकि वो तत्वज्ञानी व्यक्ति है तो उसके अंदर वो चंचलता नहीं आएगी, वृद्धावस्था ते सहजता से आती। फिर वो पीड़ा भी किसी को देती है, गणिका को, वेश्या को, हीरोइनों को, क्योंकि उसके ऊपर शरीर का पूरा खेल होता है और शरीर वृद्ध हो गया तो उसको कोई देखने वाला नहीं। जैसे नेता हो गया, वो रिटायर्ड हो गया, पहले उसके कर कमलों से उद्घाटन होते सब जगह पर, वहां साहब वहां ऑटोग्राफ लिए जाते, जैसे वो पद से उतरा, मत सीएम था तब पूरी की पूरी फौज लगती थी, गाड़ियां उसके पीछे, जैसे सीएम से वो हार गया और उतर गया, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, देखने भी कोई नहीं आता। फिर उसके ऑटोग्राफ में वो ऊर्जा नहीं रहती है जो पहले थी। हमको ऐसी भ्रांति होती है किसी के ऑटोग्राफ में ऊर्जा भी होती है, वो लिख देता है ऐसा ये बराबर, तो वो जो पागलपन है लोगों का कि उसके साथ फोटो खिंचवाना, और ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम इस पर गौरव करता है। एक भी नेता का फोटो आप गुरुकुल पर दिखा दीजिए, एक भी नेता का स्वागत आज तक किया हो हमने, हमारे बच्चों को एक भी कलेक्टर यहाँ आ गए है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम में राजकोट के कलेक्टर आए है, एक भी फोटो कलेक्टर का नहीं खींचा है। कल राष्ट्रपति भी आएंगे तो आएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है बराबर। वो आने से कोई गुरुकुल बड़ा नहीं हो जाता है तो हमारी लघुता ग्रंथि है तब तो बड़ी, तब तो सबसे बड़ा कम भागी में। मुझे ऐसा लगता है यदि कोई राष्ट्रपति आ जाए तब ये गुरुकुल की महानता है, तब मेरी ही स्केल इतनी है तो मैं क्या दूसरों को दे पाऊंगा। एक भी फोटो, घर पे जाओगे ना आप, घर पर सोफा देखोगे और ऐसा देखोगे ना, उससे गृहिणी का अनुमान हो जाएगा कि स्त्री कितनी एक्टिव है। आप समझ गए ना, किसी को भी घर जाते हैं तुरंत पता चलता है कि अच्छा कि कितनी एक्टिव है, या सोई हुई रहती या टीवी देखती है, क्या पता चल जाता है तुरंत घर का देखकर। इसे गुरुकुल में आकर पता चल जाता है ये गुरुकुल कितना विचार को पचा पाया है। गुरुकुल पे फोटो भी किसका लगना चाहिए, इसका एक तत्व, इस किसी का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को लिए एक बहुत बड़ा आदर्श देने वाला है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम का, इसके लिए हम बता रहे हैं कि इसके ऊपर माइक्रो लेवल पर उसका विचार है। इस किसी का फोटो यहाँ नहीं लगेगा, आपकी पत्रिका पे पता चलता है गुरुकुल की पत्रिका कैसी होनी चाहिए। ऐसे वैसे लोगों को फोटो केवल पद है इसलिए फोटो, ऐसे मूर्छित व्यक्ति के जो दारू पीता है रात को और ये नेता बन गया तो कोई बड़ा बन गया, वो बच्चों की दृष्टि ही वो व्यापक होनी चाहिए कि कोई नेता बन जाता है तो बड़ा थोड़ा बन जाता है। मनुष्य की चेतना से पंचकोश के उसका मूल्य करना सिखाना वो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है, नहीं तो ये समाज के प्रभाव में ही हम जीते। तो ये पहली बात है, बच्चों को क्या सिखाना है तो कृतज्ञता सिखानी है। आज कृतज्ञता जीवन में चली गई, हमारे पर उपकार किया हम भूल गए, ऋषि मुनियों ने उपकार किया हम भूल गए, हम कुछ नहीं करते। देखिए राजेश्वर राव जी संपूर्ण स्वदेश कितना प्रयत्न करते, रात भर बैठकर मैसेज करते हैं तो हमको लगता है कि अब क्या करें, ठीक है ये लोग कर रहे तो हमारे से वो इमोशन चला गया, वो भावना चली गई, वो प्रेरणा चली गई। तो ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि उसको कृतज्ञता होनी चाहिए कि मैं आज जो खड़ा हूं, आज मेरे पास ज्ञान है, आज मैं जो ये भारतवर्ष जो कोरोना से बच पाया है तो ऋषि मुनियों के कारण बच पाया है, कोई जगह है उसके लिए, किसी ने मेहनत किया है उसके लिए, किसी ने निस्वार्थ भाव से प्रेम करने का सिखाया है किसी ने, व्यक्ति ने, नहीं तो इतनी बड़ी सोच वाले व्यक्ति भारत में क्यों आए। आज अमेरिका में आप जाइए, कोई भी प्रदेश में आप चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, बराबर ये व्यक्ति कोई ऐसी संस्थाएं है शिक्षा की जो ये सोचती हो कि बच्चों का विकास हो इसके लिए पढ़ाना है, और इसके पास चाहे आर्थिक रूप से सुविधा हो या न हो, वो पढ़ाना एक कर्तव्य रूप से किया जाता हो, ऐसा एकमात्र देश है वो भारत देश है कि जहां पढ़ना और पढ़ाना अपना कर्तव्य माना जाता हो। ये हम समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य समझकर जहां पढ़ाया है, और कोई इंसेंटिव्स नहीं, मानो यहाँ कोई इंसेंटिव देता है, आपको कोई इंसेंटिव देता है कि आपको जोड़ेंगे तो और कुछ मिल जाएगा, नहीं। तो इसके लिए कृतज्ञता का गुण बालक को सिखाए। तो आपको कभी आज सबसे बड़ा प्रश्न, हम ये कहते हैं गुरुकुल की सबसे ज्यादा जरूरत भारत में कभी नहीं थी, उतनी आज है, बराबर। ये कहते हैं ना कि कभी नहीं थी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, क्योंकि धर्म की इतनी आवश्यकता है कि वो थोड़ा भी किया तो बहुत है, क्योंकि इतनी आज आवश्यकता है। आप देखिए आज हम बहुत बार इसका विवेचन करते हैं, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, और बहुत लोगों से मिलकर साइन कराने को नहीं, फोटो निकालने को नहीं, उसकी परिस्थिति को जानने को, उसके माइंड को समझने को मिलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं तो समझ आता है कि क्या उसकी पीड़ा है। वृद्धाश्रमों में हम जाते हैं, तो आज हमने जितने वृद्धाश्रमों की विजिट की, जो अलग अलग जगह पर वृद्धाश्रम है, लोग रहते हैं, एल्डर्स वहां पर रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उसमें मैंने मजदूर के माता पिता नहीं देखे, उसमें छोटे किराना की दुकान वाले के माता पिता मैंने अभी तक नहीं देखे। किसके माता पिता है, मुझे पहले यह प्रश्न था कि आर्थिक प्रश्न है, लोग उसको रख नहीं पाते होंगे, इसके लिए छोड़ देते हो। साधारण में छोटा था तब मेरी बुद्धि ही, गुरुजी के पास रह रहकर मुझे जीवन के अगणित रहस्य पता चले, अनगिनत रहस्य जीवन में, जिसका साइंस कभी पता नहीं लगा पाएगा। और ये मैंने जितना समझा जीवन, तो मैं पता चलता गया कि ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट के, यहाँ तो आईटी फील्ड के है, यहाँ तो बड़े व्यापारियों के माता पिता है। क्यों? वो बोले बहू को पसंद नहीं, अब लड़का जाने और उनका काम जाने। ये जितना वो बोल रहे हैं उतनी ही वेदना उनके जीवन में, ये आसानी से नहीं बोल रहे वो जाने और उनकी। आप विचार करो, एक आपने किसी को रखा हो, कोई चार काम किया हो और आपका न करे ना, तो भी आप बोल देते हो कि वो जाने उसका काम जाने, लेकिन आप में एक पीड़ा रहती है, वो आप सहजता से नहीं बोलते हो, आपकी पीड़ा बोलती है वो, जब हम फील करते हैं। और बहुत सारे धनिकों को मैंने वहां देखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने जीवन में, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि पैसों के अलावा और मैंने जीवन में कुछ कमाया है, इतना गरीब आदमी कि पैसे के अलावा मैंने कुछ नहीं कमाया। और पैसा आता हो, लड़के चार हो गए, चारों लड़कों ने भाग ले लिया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब आज चार लड़के अलग अलग है और ये वृद्धाश्रम में है, पैसा है लेकिन क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है जीवन में कि उसको कोई कोरोना हो गया, कुछ हो गया तो क्या हो गया। वृद्धाश्रम के नाम लिखे होते दीकरा का घर, बेटे का घर, गुजरात में है, उसका नाम है बेटे का घर, कभी नहीं हो पाएगा बेटे का। अब समझ पाएंगे उसको ये गुरुकुल की शिक्षा क्यों जरूरी है, वो मैं समझ नहीं, तो आज समाज में उतनी अव्यवस्था होगी। और वो मेरे और आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी अगली पीढ़ी को यदि संस्कार नहीं दिए तो हम भी सुरक्षित नहीं है। वो समझ कर भी गुरुकुल को उठाना है, उसको आगे का छोड़ने दे छोड़ दीजिए, लेकिन मनुष्य की गति जो अभी पशु की ओर चल रही है, वो उस तरह से उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका करना अनिवार्य हो गया। इसको जो ज्यादा समझदार है वो ज्यादा पीड़ा देता है उसको दिल में, और कोई नहीं है, वो जड़ व्यक्ति है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ये एक बात है कि उसको कृतज्ञता का गुण बहुत आवश्यक है, वो यदि आएगा तो
तो परिवार व्यवस्था टिकेगी। गुरुकुल पे ये दो गुण वैदिक पेरेंटिंग में आते हैं, ये दो गुण बालकों को सिखाने हैं। किसी ने भी हमारे ऊपर उपकार किया तो उसको स्मरण करना, उसका उपकार करना, उसको रिस्पॉन्स देना, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति के उपकार को भूल जाते हो तब आप केवल एक व्यक्ति के उपकार को नहीं भूलते हो, वो पूरी की पूरी परंपरा को खंडित करते हो। वो व्यक्ति को लगेगा कि ये उपकार किया मैंने, ये भूल गया, तो दूसरे के ऊपर उपकार नहीं करेगा। जो करोड़ों आदमी के ऊपर उपकार कर सकता था वो उसने बंद कर दिया, उसका कारण आप बन गए। तो ये जो एक गुण है मनुष्य जीवन का, और खास करके माता ने पिता ने इतना बड़ा किया हो, इतना उपकार किया, वो बच्चों को हम समझाते हैं और उसका सबकॉन्शियस में जाता है यहाँ, तो जब उसकी बात कभी आएगी, पिताजी से कुछ बोलना होगा माताजी से, तब वो क्या डिसीजन लेगा, अब वो काम आएगा। गुरुकुल शिक्षा का जो अजागृत मन में गया हुआ संस्कार है वो याद आएगा कि या ऐसा है, उसको वो बार बार हम उसको अजागृत मन में इसके लिए उसका हैमरिंग कराते, और एक बार हैमरिंग हो गया बुरी बात का तो व्यक्ति यदि आतंकवादी बन सकता है तो अच्छी बात का हैमरिंग उसको संत बना सकता है। अच्छी बात का हैमरिंग क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है वो मन से बनता है। हम यहाँ पर गीत भी गाते हैं, मुझको ऊंची हवे मिले ही या फिर मिल जाए राजमहल, खेतों की छाया हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मेरे घर वे नहीं बनेंगे, चाहे वो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं पे होगा मेरा घर। तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार देने का कार्य जो है वो गुरुकुल करता है, और इसके लिए तैयारी गुरु शिक्षा से घर से होनी चाहिए, तब गुरुकुल कर पाता है, और तब ये संस्कार का पूरा वारसा जो ऋषि मुनियों ने पूरी परिवार व्यवस्था खड़ी की, एक परिवार को लेकर बाद में किया वसुधैव कुटुंब, और यहाँ स्वयं के परिवार का कोई ठिकाना नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का। वो जितना जितना व्यक्ति उत्तम अवस्था को प्राप्त होगा उतनी उतनी व्यापकता बढ़ती जाएगी, उतना उतना सब अपना लगता है। इसके लिए ऋषि मुनियों का ये चेतना के ऊपर का अद्भुत प्रयोग, ये गुरुकुल का प्रयोग, तो ये हमको ध्यान रखना है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का निर्माण करती है, और आज की शिक्षा है वो जितना जितना डिग्री जाती है, जितना जितना व्यक्ति बढ़ता है, उतना उतना वो मनुष्य मिटकर बनता है। जितनी बड़ी डिग्री उतना ही बड़ा वो मनुष्य को, मनुष्यता को दाव। इसके लिए कम पढ़े हुए व्यक्तियों में तो मनुष्यत्व मिल भी जा सकता है, लेकिन एक बहुत आदमी में, एक एजुकेटेड व्यक्ति के पास आप मनुष्यता की क्या अपेक्षा रख सकते हैं, ये गुणों की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको स्थिर होना, हमको घर पे ये शिक्षा देना, और यदि आपने बच्चों को जैसा मन चाहे वैसा करना दिया और बच्चों में ये गुण नहीं आए तो उसके सबसे पहले शत्रु बताया है माता पिता। माता वैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठी। जिसने बालकों को पढ़ाया ही नहीं वो सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा वैरी पिता है। तो आप तो जाने, हमने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया, हम कैसे शत्रु? तो पढ़ाने का अर्थ क्या है यहाँ? जीवन का शिक्षण जिस माता पिता ने बालक को नहीं दिया, बड़े से बड़े वारसे से उसको वंचित रखने का पाप वो माता पिता। जो बड़े से बड़ा एक बहुत बड़ा वारसा था, बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत बड़ी एक धारा थी, उसको आप कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन कोई आलस्य के कारण, धंधे के कारण, अलग अलग बहाने के कारण ऐसा हुआ कि वो नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फिर वो स्पार्क नहीं आता है जीवन का। अभी मुझे मिलने के लिए परसों आए थे, उसका बेटा 20 साल का हो गया, 19 साल का, मैं ये काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, मुझे मिलने आते रोज लोग। परसों आए थे, लखनऊ से आए थे एक भैया, बेटा 19 साल का, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, ध्येय नहीं। सुबह मैंने कहा कितने बजे उठते हो? 8:30 बजे, 9 बजे, क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। अब विचार करो, युवा की ये स्थिति है, इसके सामने कोई लक्ष्य नहीं, इसके सामने क्या करना है वो पता नहीं। तो वो देने की पहली जिम्मेदारी बचपन से है। इसके लिए कौमारात आचरेत प्राज्ञः, भागवत में बताया है, भक्तान भगवतान यह कौमारात आचरेत प्राज्ञः, कुमार अवस्था से बचपन से ही उसको सिखाना है।
इसमें खास सहनशीलता को सिखाना है, खास कृतज्ञता को सिखाना है। देखो ये हमारे ऊपर उपकार कर रहा है तो ये इसको हमको रिटर्न देना है। इसके लिए बचपन में हम सिखाते थे वृक्षों को पानी देना, कोई भी संस्कृति में नहीं सिखाया गया। कुत्ते को रोटी देना, उसको चना, वो ये महत्व का नहीं था, ये वो तो वृक्षों को नहीं देंगे तो वो तो खुद ले लेगा वो जमीन से। लेकिन महत्व का ये था कि वो गुण हमारे में आता है, कि किसी से कुछ लेते हैं तो उसको कुछ देना है। ये बचपन में आए गुरुजी क्या करते थे, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। छोटी छोटी बातें कितनी शिक्षा देती है, वो बड़े से बड़े आदमी के पास वो शिक्षा नहीं होती है। मैंने राष्ट्रपति तक देखा है, राष्ट्रपति के भवन में मैं रुका हूँ, उपराष्ट्रपति के भवन में भी मैं रुक गया हूँ, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बीच में मेरे गुरुजी के साथ जाते थे तो बड़े बड़े, उसमें मैंने एक जो देखा वो आपकी नजर नहीं होती है, क्योंकि लोग तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में मस्त होते हैं कि कैसे मैं उसके साथ फोटो खिंचवा दूं और वहां डाल दूं फेसबुक पर व्हाट्सएप पर और बड़ा बन जाऊं सस्ती प्रसिद्धि के कारण, बराबर। तो सब मैंने देखा कि वो कहते ना शंकराचार्य, बालस्तावत क्रीड़ा शक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, परे ब्रह्मणी कोपी न लग्न। तो जितने मैंने आसपास देखो सब फोटो खिंचवाए, क्या आप ले लो मुझे कैमरा पकड़ा दे। उस टाइम मोबाइल नहीं था तो कि भाई आप कैमरा ले, मैंने कहा आता ही नहीं है, तो बोले नहीं आप खींच दो, क्योंकि ये अनमोल घटना है उसके जीवन की। और मैं तो फिरता था एक भी फोटो, मैंने कहा उसके क्या करना है मुझे, उसके साथ फोटो खिंचवा कर, वो खिंचवाएगा मेरा साथ खिंचवाना है, मुझे क्या लेना देना है। तो गुरु मैंने देखा कि इतना इतने बड़े व्यक्ति अंदर से छोटे होते हैं, इतने डरपोक होते हैं। वो मैं सब जगह रुका, सबका एनालिसिस किया कि ये इतने बड़े व्यक्ति भी इतने इतने गुणों में, और गुरु जी बताते। तो गुरु जी एक बार थोड़ा बहुत पैसा लेकर ट्रेन में जाते और पूना से मुंबई जाते प्रवचन को, कोई भिखारी आ गया, कोई आ गया तो उसको 2 रुपया दिया, किसी को 5 रुपया दिया, किसी का वो कुछ दिया, किसी को बिठाया बालक को और खिलाया, किसी को रुपया। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे थे पास में, वो कोई संप्रदाय को मानने वाले थे, तो वो तो क्या है उपदेशों के ऊपर तो पांडित्य है सबका, बराबर परोपदेश है, खुद के जीवन में तो जीना नहीं है, खुद का बेटा क्या कर रहा है उसके ऊपर तो पूरा मूर्छित है। उसकी बहुत बड़ी लंबी बात चली, गुरुजी खुद अज्ञानी बन गए, क्योंकि धोती पहनी थी तो उसको लगेगा ये कोई पंडित होगा। गुरुजी के साथ ऐसा बात करने लगा कि भारत का कितना महान तत्वज्ञान है वो, और आप उसको आप आदत डाल रहे हैं, आप उसको पैसा दे रहे हैं, आदत पड़ जाएगी लेने की। गुरुजी ने कहा ये तो आपने बहुत बड़ा ज्ञान दिया मुझे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। अब अर्थशास्त्र के ऊपर भाष्य है गुरुजी, आप देखेंगे जय मंगला करोड़ पत्र के ऊपर संस्कृत में भाष्य लिखा है गुरुजी ने, इस सदी के अंतिम अर्थशास्त्री थे वो, ऐसा हितरुचि महाराज साहब बता रहे थे। जैनों के एक बहुत बड़े महाराज हुए जो गुरुकुल के संस्था, मतलब उन्होंने ही उनकी प्रेरणा से हुआ, हेमचंद्राचार्य गुरुकुल अहमदाबाद में, वो बताते थे कि गुरुजी अंतिम अर्थशास्त्री थे भारत के वो। और उन्होंने सुझाव क्या दिया था पता है राष्ट्रपति को, परिग्रह का शून्य हो जाए भारत, व्यक्ति यदि इतनी ही अपनी परिग्रह का परिमाण कर दे कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा तब पूरे इकोनॉमिक से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। राष्ट्रपति को उस टाइम बताया था वेंकट रमन जी को, वेंकट रमन जी ने जब बताया उनको अवार्ड दिया तब गुरुजी ने, गुरुजी ये अर्थशास्त्र में बहुत प्रॉब्लम है, आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है। तो गुरुजी ने बताया चाणक्य का अर्थशास्त्र तो बहुत कुछ बताता है लेकिन मैं आपको छोटी छोटी तरकीबें देता हूँ। बोले क्या, बोले कि लोग बहुत इकट्ठा कर रहे हैं धन, कोई यहाँ रख रहा है, कोई ज्यादा हुआ स्विस में रख रहा है, और यहाँ तो क्या करे, यहाँ पर अलग 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 जगह पर लोग बहुत परिग्रह बढ़ा रहे हैं तो, और गरीब होता जा रहा है एक तरफ, धनी ही होता जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन तो कार्ल मार्क्स ने दिया दास कैपिटल में साम्यवाद। गुरुजी ने कहा वो तो बहुत उसके ऊपर चर्चा होगी बहुत, लेकिन मैं एक कहता हूँ यदि पेपर करेंसी है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी जाए, दवाई के ऊपर आती है ना हमारी बेस्ट बिफोर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के ऊपर एक्सपायर हो जाएगी वो, ऐसे नोट के ऊपर लिखी जाएगी कि ये 3 साल 2 साल तक चलेगी, तो देखिए आप सारा पैसा बाजार में आ जाएगा जो अंदर किया है। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा विचार तो अमर्त्य सेन को भी नहीं आया है जिसको नोबेल है इकोनॉमिक्स का, मतलब ऐसे उस समय तो नहीं था लेकिन ऐसा बताया कि इस को भी नहीं आया और किसी को नहीं आया, आप कैसे आ गए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है एक वस्तु को घटना को देखना। गुरुजी ने सामने पूछा कि चलो मान लिया उसको लेने की आदत पड़ जाएगी ये तो गलत है, लेकिन आपने ये नहीं देखा मुझे देने की आदत हो जाएगी वो कैसे।
वो व्यक्ति ये तो सोचा ही नहीं था, वो बोले उसकी लेने की आदत हो जाएगी वो तो गलत है, लेकिन मुझे देने की आदत हो जाएगी वो कैसी मानते हैं आप उसको। अब वो क्या बोले बेचारा। फिर गुरु जी ने बताया कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, कुछ कुछ परिस्थिति के वश करना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसा कारण होता है, कुछ कुछ ए इसके लिए करता हूँ, मैं भी ये समझता हूँ स्वावलंबन को, मैं भी बहुत प्रकल्प चलाता हूँ तब पता चला। तो खास ये समझिए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को तैयार करना है तो घर पे दो गुण उसको अवश्य सिखाइए। एक सहनशीलता, सहन करना ही है, और जितना सहन करेगा उतना उसका प्राणमय कोष दृढ़ होगा, वो कितना साहस कर पाएगा, कितना उसका विकास होगा, अंतर की शक्ति बाहर आएगी। और एक था वो कृतज्ञता, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो उसको भूलना नहीं, उसको रिस्पॉन्स देना, उसको याद करना, उसको बताना, उसके ऊपर तत्पर रहना, तो ये बहुत बड़ी एसेट जीवन की। ये जिसके पास ये गुण है ना, वो गुण नहीं है, वो जीवन की एसेट, वो सबके पास नहीं होती है, सब व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं। तो ये बच्चों को यदि आपने सिखाया तो मानो कि आपकी वो बच्चे एसेट बन गए, वो जमीन मकान एसेट नहीं है आपकी, जो रियल एस्टेट कहते हैं वो वास्तव में रियल नहीं, वो फेक एसेट है, वो नाम दे दिया है रियल एस्टेट। भर्तृहरि ने अनुभव किया बराबर, भर्तृहरि के पास तो आज क्या है, 3-3 लाख का प्रधानमंत्री के पास भी कितनी जमीन, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके पास तो 3-3 लाख गांवों का, 5-5 लाख गांवों का राज्य, मतलब सभी जमीन उसकी। और इसमें उसने ये बताया कि जीवन की एसेट गुण है, तृष्णाम छिंदी भजक्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृथा, उसके ऊपर कभी लेंगे तो बच्चों को इस तरह से आप शिक्षा दीजिए घर पे। घर पे यदि आपने ये फॉर्म्यूला दिया वैदिक पेरेंटिंग का, जो गुरुजी का बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है, इससे मनुष्य का निर्माण हुआ है। और हमने जहां जहां पर भी मनुष्य देखे गुरुजी के जुड़े हुए, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे बहुत सारे वैदिक पेरेंटिंग का निर्माण करके बच्चे तैयार हो गए। अब बच्चे तैयार हुए तो अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप गुरुकुल पे भेजे, लेकिन सबसे पहला कदम कहाँ का है, सबसे पहला कदम है वो घर का है, घर पे पहली शिक्षा है, माँ को पहली शिक्षा देनी। तो माँ कैसे पहली शिक्षा देगी, माँ यदि पहले शिक्षा लेगी तो देगी, तो माँ को पहले शिक्षा लेनी है, पिता को पहले शिक्षा लेनी, और उसको बच्चों को सिखाना है, उसको नियम सिखाना है, अनुशासन सिखाना है। अनुशासन यदि आप नहीं सिखाते हैं तो बच्चा का बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे, जैसे प्रेम नहीं देने से उसका हृदय शुष्क हो जाता है, उससे डिपेंडेंट करने पर भी बच्चा एक प्रकार का जड़ हो जाता है, वो कहीं सूट नहीं होता था, कहीं पर भी वो रह नहीं पाता है। तो आज ये काम करे, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग गुरुकुल पे आकर भी गए हैं, तो गुरुकुल का कार्य ये बड़ा है, और आप बच्चों को जितना तैयार करके भेजेंगे उतना आगे हम उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। जितना आप व्यवस्थित रूप से तैयार कर पाएंगे मन से, तो ये मन का शिक्षण बहुत जरूरी है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था में कहीं नहीं। इसके लिए गुरुजी ने संस्कृति आर्य गुरुकुलम को एक मनोवैज्ञानिक पाठशाला का नाम। ये क्या है, ये पाठशाला तो है लेकिन किसकी है, तो मनोवैज्ञानिक घड़तर की पाठशाला है। यहाँ जीवन के पाठ सीखने, यहाँ ये सीखना है कि गुण जीवन में क्या लाना है, कैसे गुण लाएंगे। इसके लिए हमको बहुत प्रलोभनों को लात मारनी पड़ती है, जो दूसरा करता है ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसे शॉर्टकट हम नहीं ले पाते, ऐसा वर्तन हम नहीं कर पाते है, क्योंकि बहुत कुछ दाव पर लगाया है इसके ऊपर मुझे ने, वो हम खाली नहीं जाने देते। इसके लिए आप बच्चों को शिक्षा दीजिए घर पर, और ये शिक्षा का वातावरण दीजिए, उसको कम से कम जीवन को नियमबद्ध कर दे, सुबह उठने से लेकर रात्रि की चर्या तक नियमबद्ध करे, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और खास में तीसरी बात और अंतिम बात कहता हूँ, बच्चों को यदि सही शिक्षा देनी है, आपके जीवन में 1 महीना प्रयोग करिए, सार्थक को जिसको पाना है वो निरर्थक को छोड़ दे, नहीं कभी सार्थक आपको मिलेगा नहीं। तो क्या करें, आप टीवी देखते हैं, टीवी बंद कर दीजिए 1 महीना,
बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए, वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आपको गेम नहीं खेलना है, और अरेक पुरुष को देखते हैं तीन पति खेलता है, खेलता रहे तीन पति खेलता है, उतना टाइम हमारे पास है क्या जिसको पास करना पड़े? तब हम नापास होते हैं, जब हम टाइम को पास करते हैं ना, हम खुद नापास हो जाते, फेल हो जाते, क्योंकि मनुष्य ये नहीं समझा कि समय का सदव्यय क्या है। 24 घंटे कम पड़ने चाहिए काम, उतना व्यक्ति को बिजी होना चाहिए, उतना और जितना बड़ा विचार उतना तो होना चाहिए उसको, व्यर्थ की बातों में टाइम ही नहीं है। और भारत को बौद्धिक राष्ट्र कहते हैं, या बहुत लोग कहते हैं कि अभी बुद्धिमानी बढ़ रही है, गुरुजी कहता था ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा भ्रम कि व्यक्ति उन्नत होता जाता है। अभी विज्ञान आगे बढ़ गया है, विज्ञान आगे बढ़ा है तो थिएटर में इतने लोग होने चाहिए, कल्पना में इतने लोग जीने चाहिए कि सत्य के ऊपर प्रेम करने चाहिए, तो थिएटर फुल, मनोरंजन का कोई भी साधन फुल, टीवी की बिक्री देखिए, टीवी के बाद टेबलेट निकले उसकी बिक्री देखिए, उसके बाद मोबाइल देखिए, उसके बाद यूट्यूब देखिए, उसके बाद कितने सारे संसाधन है, सारे की सारी टीआरपी फुल, इतनी चैनल टेलीविजन की, और एक भी टेलीविजन की चैनल वाले को घाटा हो गया ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। गौशालाएं बहुत बंद हो, आयुर्वेद की हमारी फैक्ट्री कितनी आई कितनी बंद हो, मतलब अच्छे परोसने वाले कितने आए कितने चले गए, लेकिन उन लोगों का एक भी, सब चलता है, कहीं झगड़ा दिखाता है वो भी फुल, कहीं सीरियल वो भी फुल, क्वचित हाहाकार वो भी फुल, बराबर क्वचित कुछ जोक्स बिना काम के वो भी फुल, सबकी टीआरपी फुल फुल फुल, सीरियल टीवी पिक्चर सब, क्योंकि व्यक्ति दीवाना है, बस वो पागलपन है व्यक्ति का कि कुछ उसको चाहिए और वो कोई भी कचरा मन में डाल देता है। तो ये उसको तत्वज्ञान नहीं दिया गया सत्व, इसके लिए आयुर्वेद का सत्र लेंगे तब बताए, मन का खुराक सत्व है। आप पूरे शरीर को यदि भेल पूरी समोसा देते रहेंगे आपकी क्या हालत हो जाएगी, टीबी हो जाएगा आप। जब उसका अन्न क्या है तो अन्नम वृत्ति कराणाम श्रेष्ठम चरक बता रहे, शरीर को टिकाना है तो अन्नम वृत्ति कराणाम श्रेष्ठम, वृत्ति को करने वाला अन्न होता है, इसके लिए अन्नम ब्रह्म तद व्यजानात अन्नम बहुपकूर्वीत अन्नम ब्रह्म, ऐसा सब कुछ बताया है, क्योंकि अन्न है वो वृत्ति कर है। उसी तरह से मन का खुराक क्या है, सत्व या मन का खुराक है, व्यक्ति को खड़ा करना है, व्यक्ति को बदलना है, बच्चों को कुछ शिक्षा देनी है तो उसको सत्व गुण अवश्य आपको देना ही पड़ेगा, आयुर्वेद में बताए, नहीं तो बच्चा पागल ना हो तो आश्चर्य। ये भारत की स्थिति तो देखकर ऐसा लगता है कि अभी ये बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिजोफेनिया हो रहा है उसको, जो वैचारिक बीमारियां हो रही है, साइकोसोमेटिक डिसीज हो रहे हैं, वो तो बहुत कम है, ये वातावरण में तो इतने रोगी होने चाहिए। तो भी आज की स्थिति थोड़ी ठीक है कि ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर कार्य कर रही है, तो सत्व गुण का कार्य कर रही है। तो खास एक बात याद रखिए, 1 महीना प्रयोग करें, गुरुकुल के माता पिताओं के लिए तो हम अभी कंपलसरी करने वाले हैं कि जिसके घर टीवी नहीं होगा उसको ही लेंगे वाले अगली बार से, तो जो ये नियमबद्ध रहेगा तो उसी के लिए गुरुकुल है, वो अनाथ आश्रम तो है नहीं कि कोई भी आया छोड़कर गया और किसको मौज करनी है दोनों पत्नी को और इस तरह बीच में ये बाधा बन रहा है तो इधर छोड़कर गया, ऐसा तो ये गुरुकुल का दायित्व नहीं है। ये गुरुकुल का दायित्व है बच्चों को तैयार करना, क्योंकि हमको परिणाम चाहिए, 7 साल पे 8 साल पे उसको तैयार करना है, तैयार करके 50 व्यक्ति तैयार करके, जो विवेकानंद ने बताया था, गिव मी 100 नचिकेता से आई शैल चेंज द वर्ल्ड, तो ये तो हम नहीं दावा करते कुछ भी, लेकिन ये अवश्य दावा करते हैं कि भारत का चित्र यदि बदल, तो एक संत का था ना कि वो बहुत मतलब एक जोड़ रहे थे कुछ 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 जोड़ रहे थे, शिक्षा दे रहे थे बहुत शिष्यों को, शिष्य कह रहे थे वो करना चाहिए वो करना चाहिए, आप तो अकेले ये कर रहे हैं, आपका प्रवचन बहुत अच्छा है वो करना, शिष्य कहते रहते हैं, मतलब प्रचारक आते थे वहां पर वाराणसी में। तो एक दिन बैठ गए और भारत का नक्शा लेकर बैठ गए और वो जोड़ने, तो बताया कि ये मैं जोड़ता हूं लेकिन जोड़ नहीं रहा है, कुछ करते हैं बहुत परिणाम नहीं आता है, शिष्यों को भी बताया आप जोड़ कर दिखाओ, उन्होंने भी ट्राई किया तो कभी ऐसा रह गया, कभी कश्मीर रह गया, कभी कन्याकुमारी रह गया, कभी कलकत्ता और पूर्व से पश्चिम चला गया, भारत का नक्शा ही ऐसा है, तो पूरा का पूरा इस तरह का जोड़ते थे जोड़ा नहीं।
तो संत ने क्या किया कि अब देखो ये सब करते हैं और फेल होते हैं, यही आपने देखा, उसने पलट दिया, पलट दिया ना तो मनुष्य का चित्र हुआ पीछे, तो तुरंत पता चला क्या ये तो मनुष्य का चित्र है। तुरंत उसने गर्दन रखी, हाथ पैर रख दिए, ये कर दिया वो कर दिया पूरा। तो उसको पूछा कुछ समझ में आया, बोले नहीं। तो बोले देखो आप कभी सीधा भारत को जोड़ने का प्रयत्न करते थे, नहीं हो रहा था, मनुष्य को जोड़ दिया ना भारत बन गया पीछे, आगे मनुष्य का चित्र था पीछे भारत का चित्र था। ये बहुत बड़ा तात्विक अर्थ है, ये निर्माण गुरुकुल करता है, इसके लिए गुरुकुल की आज आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता। आवश्यकता तो उसको कहते हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी कदाचित चलेगा, अनिवार्यता उसको कहते उसके बिना चलेगा ही नहीं, ये हवा के जैसा है। तो इसके लिए ये खास जरूरी है कि आप घर पे सार्थक बातों को प्रयत्न करें, निरर्थक बातें छोड़ दें, 1 महीना प्रयत्न करें, बाद में बच्चों को उपदेश करें। आपके मोबाइल में गेम नहीं है कोई, यदि व्यर्थ की बातें नहीं है, व्यर्थ का कोई भी टीवी का समाचार नहीं है, और हो सके तो न्यूज़पेपर बंद करें। इकोनॉमिक्स का इतना ज्ञान नहीं मिलेगा तो जीवन का तत्व ज्ञान तो मिलेगा, हर एक व्यक्ति कहते हैं इकोनॉमी का ज्ञान मिले, जीके बढ़े, जनरल नॉलेज, तो वो जनरल नॉलेज गिनते हैं कि वो फलाना गंगा का किनारा कहाँ है, वो डैम कहाँ है, उसमें कितना पानी है, अमेरिका में पृथ्वी के ऊपर कितने खंड है, वो न पता चले तो चलेगा, अपना जीवन पता चलना चाहिए। आज व्यक्ति अपने को ही भूल गया है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति का है, और पूरा याद है उसको वर्ल्ड का। आईएएस को पूछो कि आप वो कहाँ है वो बताएगा, लेकिन मैं आईएएस कभी मिलता हूं तो मैं पूछता हूँ कि आप कौन, कस्त्वम, इतना ही मैं पूछता हूँ। वो कहते कि ये बड़े साहब इतनी डिग्रियां लिखी, इतने बड़े। मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ हूं नहीं, कोई कप मेरे अवार्ड्स का मैं देखता हूँ ना, सब शोकेस भरे होते हैं लोगों के, वो शो केस ही होते हैं, मतलब वो शो करने के लिए, बराबर, तो पूरी डिग्रियां रखते हैं, तो लगता है कि हाँ ये बड़ा आदमी। हमारे यहाँ आते हैं कि कौन आचार्य, मैं डिग्री का कोई शोकेस, सबको इसमें एक भी डिग्री नहीं, एक भी सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि उससे कुछ बड़प्पन ही लेना नहीं है, वो तो एक प्रकार हुआ कि इतना मेरे पास है आप मान दो मुझे, उसको लटका कर तो मैं फिर नहीं सकता हूं कि देखो मैं हूं। तो ये मनुष्य का जीवन गुणों से, इसके लिए आप खास याद रखो, गुरु जी खास बताते थे कि गुरुकुल के लिए बच्चों को तैयार करना है, आपको पहले तैयार होना है। इसके लिए टीवी हमारे घर पे नहीं होना चाहिए, हो तो केवल थोड़ी बातें देखे, व्यर्थ की चैनल नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं, तो बच्चों में उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसके लिए हम कहानी के बारे में, खास करके कहानी कैसी की जाए, कितनी कहानियां की जाए, कैसी कैसी बात की जाए, क्योंकि उसको सार्थक बातें आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए हम आयोजन करने वाले हैं वैदिक पेरेंटिंग शिविर का, जल्दी करेंगे उसका, ताकि आप उसको कहानियां कह सको। कहानियां कहानियां जिज्ञासा ने गीत लिखा है, बहुत अच्छा गीत, तो मतलब गुरु जी का तत्वज्ञान वो गीत में आया है कि गुजरे वक्त की है निशानियां निशानियां, बराबर, जो सीख है सिखानी, जो बात है बतानी, जो भी कुछ कहना है, जो शिक्षा है देनी, तो मंत्र है कहानी। तो एक कहानी के द्वारा कितना परिवर्तन आता है वो अगली बार हम देखेंगे, लेकिन माता पिता को ये अवश्य ध्यान में रखना है, व्यर्थ की बातों को छोड़ते जाना है जीवन में, जीवन में एक बदलाव आ जाएगा आपके जीवन, आपको लगेगा कि मैं कैसी व्यर्थ बातें को समय पास करता था, व्यर्थ की चीजें करता था, तो ये बदलाव बच्चा बच्चे में आप पाएंगे। तो आज के जो बच्चे मेंटली मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। तो गुरुकुल में चाहे वो आए चाहे ना आए, लेकिन उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये संस्कृति गुरुकुल पे गुरुजी ने जो हमको वारसा में दिया है पूरे परिवार को, वो चिंता दी है लोगों को, तो प्रॉपर्टीज मिलती है, हमको चिंता मिल गई है देश की, और इसको हम बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। राजेश्वर जी लोग संपूर्ण स्वदेशी, हमको चिंता मिली है, और ये चिंता वो बहुत बड़े विकास का लक्षण। ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की तो उसके पीछे एक था कि करुणा से पूर्ण भरा हुआ हृदय, उसको कोई अलग नहीं लगता था, उसको सब अपने लगते थे। तो कारुण्य पूर्ण हृदय की फलित ये हुआ कि उसको उत्तम से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि व्यक्ति जितना ऊंचा चढ़ता है ना उतना ज्ञान परमात्मा उसको देता रहता है, तो वो अंदर से ही आता है। तो भगवत कार्य में आप सम्मिलित हो, ये पूरा इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण भगवत कार्य है। भगवान ने जिस व्यवस्था पर
जो आकर पढ़ाई की वो व्यवस्था को भगवान ने प्रमोट किया। कृष्ण ने कृष्णा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, राम ने रामा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, वो खुद वशिष्ठ को प्रमोट किया, खुद सांदीपनी को प्रमोट किया, उसके आश्रम में गए, उसके शिष्य बनने में अपना गौरव माना, क्योंकि वो जीवन का शिक्षण हरेक को लेना है। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त्व देवे तरोजनः सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये न्याय से उन्होंने ये बताया कि शिक्षण कैसा होना चाहिए। जो शिक्षण में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, जो हमको ये नहीं सिखाता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ, जो दर्शन शास्त्र नहीं सिखाता है, तो एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है, बाकी का सब कुछ अज्ञान। तो ये धारणा हमारी बने, ये वृत्ति हमारी बने, ये हम शिक्षा बालकों को इस सदी की दृढ़ संकल्प के साथ देकर रहे। अब हमारा संकल्प धीरे धीरे प्रयत्न करना है, हमारा संकल्प दृढ़ होता जा रहे, हमारा विचार अब पूरा का पूरा पक्का होता जाए कि हम ये करके रहेंगे। तो ये हमको खास तैयारी करनी है कि किसी भी हालत में बालकों को गुरुकुल पे भेजना है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बालकों को शिक्षा तो देनी है, जो घर पर भी हो सकती है, अनेक माध्यमों से हो सकती है, तो इसका प्रयत्न करें, इसकी तैयारी करें, तो वो आप सजग हो और आप ये काम में जुड़े। इस सदी की जो सबसे बड़ी अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, गुरुजी ने दिए थे कि सबसे बड़ी मूवमेंट है वो गुरुकुल की होने वाली है, और उसका पूरा का पूरा जिम्मा जो गुरुवर्य ने संस्कृति आर्य गुरु को दिया, और उसके द्वारा हम जन जन तक पहुंचेंगे और ये बड़ी से बड़ी शिक्षा व्यवस्था को बौद्धिक रूप से खड़ा, ताकि विश्व को कोई भी प्रश्न के उत्तर हम आज भी दे पाते हैं। शिक्षा क्षेत्र के आप कोई भी लाए, कोई भी प्रकार के शिक्षा के प्रश्न है, इसका क्या है वो हल हम आपको बताएंगे। आप चाहे एमएड को लाइए, पीएचडी को लाइए, कितने बड़े शिक्षा शास्त्री को लाए, बराबर उसका हम बताएंगे कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का रहस्य क्या है, शिक्षा के परिणाम क्या होते हैं। ये सभी हमारे पास जो वारसा है ज्ञान का, उसका अपने जीवन में गौरव अनुभव करें और उसको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। हम रोज रोज मिलते रहेंगे, आयुर्वेद की बात है, संस्कृत की बात है, आप रोज कुछ नया सीखते रहे। निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ ज्ञान की जो चर्या है वो गुरुवर्य के जीवन का फलितार्थ है, वो जीवन का उन्होंने सार दिया है, वो सार को लेकर संस्कृति गुरुकुलम आज अविरत रूप से कोशिश कर रहा है कि गुरु करिए गुरुवर्य का ये संदेश, ये प्रसाद अंत तक पहुंचे, ताकि आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम ये जो सूत्र है, शास्त्राधिगम समाज को करना है तो आचार्य ही करा पाएगा। तो आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम ये चरक सूत्र समझी दो। आप अपने अपने बच्चों की मानसिक चिंता थोड़ी करें, शरीर से ज्यादा ऊपर उठ कर बौद्धिक चिंता करें, उसके गुणों की चिंता करें, तब आप माता पिता बन सकते हैं। अगली बार फिर से हम वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर ही लेंगे, और घर पे क्या क्या ध्यान रखकर हम उसको अच्छा पढ़ा सकते हैं, और पूरे के पूरे माता पिता का फिर एक शिविर का आयोजन भविष्य में करने वाले हैं। लेकिन अगली बार फिर हम गुरुजी ने जो गुणों के बारे में बताया है, कुछ अनुभवों के बारे में बताया है, बच्चे जिद्दी हो तो क्या करे, बच्चों को कैसे समझाए, बच्चों के दुर्गुण कैसे दूर करे, उसके लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो हम बताएंगे। एडमिशन बच्चों के शुरू हो गए हैं, जिन जिन को फोन करने बाकी है कल ही मुझे व्हाट्सएप करे या आज व्हाट्सएप कर दे, हम जल्द से जल्द उनको बुला लेंगे। जितने भी लोग बाकी है इंटरव्यू में आने के लिए, वो अमित भाई को या मुझे, किसी को भी खास करके अमित भाई को बता दीजिए तो भी चलेगा, मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप करके, तो जल्द से जल्द उसका फॉर्म आगे लेकर उसको बुला लेंगे, ठीक है। और कोई भी आपके प्रश्न है तो राजेश्वर जी अभी प्रश्न लेंगे या नहीं लेंगे? आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी जी, आज का सेशन जो मिस किए है ना, वो बहुत कुछ मिस किए हैं अपने जीवन में। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो जो टॉलरेंस और ग्रेटिट्यूड, ये जो दो क्वालिटीज आपने बोले थे वो मेरे अंदर भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो दो दो क्वालिटीज मेरे अंदर भी भगवान देना है, क्योंकि आप हमेशा गुरु जी का मिशन बोल के डेली इतने बार बोलते है, तो आप कितने ग्रेटिट्यूड है आपके गुरु जी के ऊपर। लेकिन जो जितने लोग हम सब लोग जो हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारा गुरुजी जो हैं मेहुल जी आचार्य जी हैं, उनसे हम लोग आयुर्वेद सीख रहे, संस्कृत सीख रहे, अभी पूरा दुनिया डर रहे मुझे वो आएगा, ये आएगा, थर्ड वेव आएगा बोल के, लेकिन हम तो
ये आयुर्वेद का शरण में जो है गुरु जी का कृपा से हम सबको जो है एक शरण मिला है, तो हम तो इसके लिए क्वेश्चंस तो बहुत लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा बोल के, लेकिन कितने लोग हैं हम क्या आचार्य जी आपका मिशन में हम लोग कैसे आपको साथ दे सकते हैं बोल के। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, आचार्य जी हमेशा बोलते हैं एक ही जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा बोल के, लेकिन एक ही जगह गड्ढा खोदने का क्या है मैं आपको सीक्रेट बोलता हूँ। अगर मेरा प्लान क्या है, मेरा एफर्ट क्या है सोचने से, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है सोचने से, हम लोग अलग जगह गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन आचार्य जी का प्लान में हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनने से हम लोग एक ही जगह गड्ढा खोद रहे हैं। ये इतना सटल पॉइंट है, ये समझिए। प्लान आचार्य जी का होगा क्योंकि उनका विजन अलग होता है समाज का, रूट कॉज समझ सकते हैं समस्या का, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग जो है उनका विजन उनका प्लान में हम लोग जो है अपना जीवन उसमें फिक्स होना है, बस हम सब लोग मिलके वो प्लान में इंस्ट्रूमेंट बनना है, हमारा फिर मेरा प्लान पूछने का जरूरत नहीं। तो यही सेशंस को पूरा भारत देखने से एक दिन में भारत बदलेगी, तो प्लीज जो है आप इस ऐसे सोचिए। और एक सिंगापुर से जो है अपना मित्र लोग है वो लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाए, क्योंकि भारत में गुरुकुल विद्या व्यवस्था लेके नहीं आने से तो बहुत कठिन होगा तो भारत का, तो इसलिए जो है ये ज्ञान घर घर तक पहुंचना है। इसमें हम लोग आपका एडमिशन का तो आचार्य जी बोले थे, लेकिन उधर आचार्य जी कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है आज जो है, तो इसमें जो है सिंगापुर का जो है आचार्य जी वो लोग बात करना चाहते हैं। जी शिव प्रसाद गारू सिंगापुर संस्कृत भारती टीम जो है वो लोग जी संस्कृत में संभाषण करना चाहते हैं, 1-10 मिनट आ क्या आ तो आ करे वो एक में एक बीच में एक शेयर जी, 1-10 सेकेंड में बोलता हूँ। जो मैंने आपने बताया राजेश्वर जी, वो मैं गुरु जी के नाम से ही मुझे लोग जाने, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैं अपना व्यक्तित्व मैंने कुछ अलग नहीं रखा, गुरु जी से पूरा का पूरा समर्पित किया। इसके लिए गुरु जी जब तक जिंदा थे मैं प्रवचन भी नहीं करता था, नहीं कोई आगे आता था फोटो के लिए ये कहीं पर भी, क्योंकि मेरा एक जीवन का यही लक्ष्य है कि गुरु जी के नाम से ही लोग मुझे जाने, मेरा व्यक्तित्व कोई अलग। तो ये जो मिशन है वो गुरु जी ने पूरा ड्राफ्ट करके रखा है और इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया है। ये उनका जीवन का लक्ष्य पता चल गया कि ये मैं पूरा का पूरा मैप बना रहा हूँ, उसके ऊपर चलना आपका काम। तो इसके लिए वो मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो इसके लिए राजेश्वर जी ने जो बताया वो हम सब लोग, मेरा कोई मैप नहीं है, मैं गुरु जी का मैप आगे रख कर, क्योंकि वो बहुत अनुभव कर दिए, बहुत उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान साधना की, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति गुरु जी को हुई, और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि गुरुकुल की क्या स्थिति होने वाली है, समाज की क्या होने वाली है, उसमें क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ बताया। आज ऐसा दिख रहा है, आज वृद्धाश्रम पहले नाम नहीं था, आज कितने बढ़ रहे हैं, आज परिवार की, तो ये सब समस्याएं हैं। अब उसका समाधान गुरु जी ने दिया है, वो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसके लिए वो हम आगे चल के हम और राजेश्वर जी और हम सब वही मिशन पर काम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। संस्कृत भारती के या सिंगापुर वो संभाषण के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत आनंद का विषय है, वो करें। जी शेषगिरी जी और आप लोग जी एंड सुधीर जी 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 मिस इंट्रोडक्शन संस्कृत भारती क्या करता है सिंगापुर जी क्या है वगैरह हाँ वो बताइए। आचार्य जी नमस्ते जी आचार्य जी अहम सुधीर अस्मि मम हिंदी भाषायाम अपि पटुत्वं नास्ति अतः किञ्चित् संस्कृत भाषायाम एव हाँ एवं अतीव आनंदस्य विषयः भाषा एक निमिष अतीव आनंदस्य विषयः संस्कृतेनैव वदतु तर्हि सर्वेषां लाभो भवति सर्वेपि श्रुत्वा आनन्दिताः भवन्ति एवं आम् आचार्य अनेकाः दोषाः भवन्ति कृपया क्षम्यताम् आरम्भे एव वदामि अहं सुधीरः अत्र IT क्षेत्रे अहं कार्यं करोमि आचार्य सिंहपुर संस्कृतभारत्याः अत्र 2016 मध्ये पञ्जीकरणम् अभवत् तदनन्तरं वयम् अत्र अनेकाः कार्यक्रमाणि अहमेव न अनेकाः कार्यकर्तारः अत्र सन्ति सर्वस्य योगदानेन अत्र संस्कृतभारती चलति आरम्भे केवलं 20 छात्राणाम् आरम्भम् अभवत्
इदानीं तु 50+ छात्राः पठन्ति प्रतिवर्षे. अहं किञ्चित् अस्माकं कार्यक्रमानि कीदृश भवति अत्र दर्शयितुं इच्छामि भवान्. एवमेवं कार्यक्रमः कीदृशः भवन्ति इति दर्शयतु. अस्तु, धन्यवादः आचार्य. एवं किं किं कुर्वन्ति भवन्तः? अत्र सप्ताह इति वयं प्रतिवर्षे एकवारं यः कोऽपि संस्कृतं पठन्ति अत्र ते प्रदर्शनं कुर्वन्ति नाटकरूपेण वा गीतरूपेण इत्यादयः. अहं केवलं कानिचन टीजर्स् इति वदामि, अत्र एकवारं पश्यतु आचार्य. एकवारं वयं कृतवन्तः सिंहपुरसंस्कृतभारती, सिंहपुर इति ग्रामविशेषः. सम्यक् दर्शयतु सर्वेषां बान्धवाः. दर्शनेषु सौभाग्यं भवतु. वयं सर्वे संस्कृतं पठामः. संस्कृतं अत्र आगच्छतु. तो आचार्य जी, तो ऐसे जो है अपना संस्कृत आर्य गुरुकुलम का जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सपोर्ट करते बोले थे, वैसे ही और ऐसे ही उधर एक्सटेंड करने में, जो अपना गुरुकुलम एक्सटेंड करने में जो भी जी उसमें जो है अभी हम लोग अभी इतने बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स भी, कैसे अकोमोडेट करें उसमें भी. आप थोड़ा गाइड कीजिए आचार्य जी, आपको हम लोग कैसे जो है सेवा कर सकते हैं इसमें. सुधीर जी, आप किमपि न श्रूयते महोदय. किमपि क्षम्यताम्, अहम् अत्र चालयामि परन्तु क्लेशः अस्ति. दृश्यते एव वा? दृश्यते. श्रूयते, ध्वनिं करोतु तर्हि श्रोतुं शक्यते अस्माभिः. वर्धयतु ध्वनिं यदि इदानीम् आचार्य. इदानीं श्रूयते. श्रूयते. ध्वनिं वर्धयतु. अयं समातुलस्य आत्रेय रामानुजस्य सकाशे विंशत्यब्दपूर्वे एव साङ्गान् वेदान् वेङ्कटनादाय कविताति जगेश्वरी वेदान्ताध्याय वर्यो मे सिंहमिदत्तादि. अद्भुतम्. अस्तु, इदानीं काव्ये किम् अस्ति इति पश्यामः. यदा हनुमान् सीतादेवीं दृष्ट्वा रामस्य समीपे प्रत्यागतवान् तदा श्रीरामः युद्धाय लङ्कां प्रति गन्तुं निश्चितवान् आसीत्. ध्वनिमपि सीतायाः ध्वनिं स्मारयत्. रामः सीतास्मरणे मोहं गतवान्. मोहे सः हंसपक्षी कश्चन पक्षिविशेषः, सः हनुमानिव भाषितुम् असमर्थः इति विषयं विस्मृत्य सीताम् आश्वासयितुम्
ताम प्रति दूतरूपेण हंसं प्रेषितुं निश्चितवान् अतः सः हंसं उद्दिश्य अवदत् झटिति लंकां प्राप्य मम संदेशं ताम प्रापयतु వెరీ నైస్ అండి అది अहं प्रष्टुं इच्छामि तत्र तत्रैव इदं कृतमस्ति वा यद् यद् अस्माभिः दृष्टं तत् तत्रैव सर्वम् अत्र एव निर्माणं कृतमस्ति तत्रैव निर्माणं जातम् अत्र रामस्य यः कृतवान् सः अपि अत्र एव अस्ति शेषगिरि महोदय एवं वा चेत् अभिनयं कृतवान् सः तत्रत्य एव आम् महोदय एवमेवमेवं तर्हि नमो नमः अग्रे गुरुकुलविषये किञ्चित् कर्तव्यं किं किं कर्तव्यम् इति महान् विषयः अस्ति तस्मात् प्रथमं तु शास्त्रशिक्षा कथं दातव्या संस्कृतसम्भाषणोत्तरं तर्कसङ्ग्रहादिकनामपि ज्ञानम् आवश्यकं तस्मात् तदपि पाठनीयम् आयुर्वेदस्य ज्ञानं तु अतीव आवश्यकं तस्मात् तत् क्रमेण कथं पाठनीयं कुत इत्युक्तौ महर्षिपाणिनिना उक्तमस्ति क्रमस्तु अध्ययने प्रयोजकः क्रमः तस्मात् तद् विचारणीयमस्ति वयम् एकवारं ज़ूम् मध्ये मिलित्वा विचारं कुर्मः किं किं गुरुवर्याणां विचाराः आसन् एवं किं किं कर्तुम् अधुना अस्माभिः शक्यते इति तर्हि अवश्यमेव भवद्भिः यः उपायः दर्शितः वा भवद्भिः यद् विचारः प्रकटीकृतः तद् आनन्दसञ्जातः तत् श्रुत्वा एवं राजेश्वरराव महाभागा एवं सम्पूर्ण स्वदेशी ग्रुप् इति एतादृशकार्यसंलग्नः इति अस्माकमेव महत् सन्तोषस्य विषयः अग्रे इदमेव कार्यम् एतत् एषः पन्था एतत् कर्म इति एतत् कर्म अग्रे वयं नयामः इति तादृशी शक्ति भगवन्तं वयं प्रार्थयामहे एतादृशी शक्तिम् अस्माभिः दद्युः भगवन्तः इति अन्ये बहवः विचाराः सन्ति किन्तु वयं पृथक् एकं सम्मेलनम् एका मीटिङ्ग् इत्युक्तौ एका प्रगोष्ठी आयोज्यते अस्माभिः तर्हि इदं सुलभमस्ति अस्माभिः परस्परं विचाराः कर्तुं शक्यते तर्हि किमपि कुर्मः अग्रे किं किं कर्तुं शक्यते तत्रापि किं कर्तुं शक्यते तत्र सम्यक् एव कार्यं प्रचलति समीचीनं तद् अनन्तरम् अत्र गुरुकुलस्थापनार्थं किं किं कुत इत्युक्तौ संस्कृतभारतीद्वारा अद्भुतं कार्यं एतस्मिन् शतके कृतं तद् गुरुकुलस्य पूर्वरूपं सन्नद्धीकृतं पूर्वं यत् संस्कृतस्य आवश्यकता संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः एवं समाजे समरसता निर्मिता एवं संस्कृता कठिना इति भ्रान्तिः यदस्ति संस्कृतभाषा कठिना अस्ति इति प्रायः समाजे निर्गतः तस्मात् यत् संस्कृतं श्रोतुं पठितुम् एवं वक्तुं यत् चित्रं दृश्यते तद् संस्कृतभारत्याः बहु प्रदानमस्ति संस्कृतभारतेः बहु प्रदानमस्ति तस्मात् इदमेव वयम् एकवारं मिलित्वा अस्य विषये चर्चां कुर्मः विचारं कुर्मः एवम् अग्रे गुरुकुलस्य विषयं कथम् अग्रे नयेयुः अग्रे कथं नेतव्यः अयं प्रकल्पः इति विचारे वयं पुनः मिलामः लोकानामपि जनानामपि अयम् अवसरः लब्धः इत्थे अपि संस्कृते तैरपि इदं श्रुतम् एवं तैः अनुभूतं तस्मात् वयं मिलित्वा अवश्यमेव दृढसङ्कल्पं कृत्वा कार्यं कुर्मः इत्येव अधुना अग्रे
राजेश्वर राव जी, इनको कहेंगे कि हम एक बार अलग गोष्ठी करके हम लोग मिलेंगे, मतलब जूम के ऊपर की ये सब के, क्योंकि ये हम पहले 15-20 लोगों के ऊपर सीमित रहेगा कि इसी के ऊपर हम चर्चा विचारणा करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रारूप तैयार करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास विकल्प है, वो क्या क्या कर सकते हैं, जो गुरुजी ने बहुत सारे विकल्प दिए, ये कर सकते ये कर सकते, तो जो भी होगा वो सार्थक के लिए हो, लंबे समय के लिए हो और उसके परिणाम दिखे, तो इसके लिए शिक्षा के ऊपर ही फोकस करके हम करेंगे। तो अच्छा हुआ, तो एक बार आप ऐसा आयोजन करिए कि उन लोगों को जोड़िए, हम लोग गोष्ठी करते हैं। क्या नाम बताया, शेषाद्रि जी? जी 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 जी। तो एक बार सुधीर सुधीर एवं तरी वयम एक बार हम पृथक मेलनम कुर्मः जूम मध्ये वा अन्यत्र कुत्रापि, तरी तद विषये बहु विचाराः सन्ति, तस्मात् संस्कृत भाषायां शक्यते चेत् अत्युत्तमम्। तरी संस्कृत भाषायां विचार विमर्शं कृत्वा किं कर्तुं शक्यते, किं अस्माभिः कार्यं, तरी एतत् सर्वं मिलित्वा विचारयामः, तरी अवश्यमेव कार्यं सुलभं सरलं सफलं च भवति इति। एव बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी तो अभी लोगों को एडमिशन्स बारे में भी क्वेश्चंस हैं, बस उसी सेम क्वेश्चंस है जी, तो कुछ एक दो लेंगे आचार्य जी? हाँ हाँ लेंगे लेंगे, मुझे कोई तक ये तो इसके कारण जगना पड़े तो उत्तम ही है जी। ओके पवार जी, हाँ बोलिए, आपको प्रश्न है वो बताइए जी। रोहतक शर्मा जी, जी नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्ते। पहली बात तो जो आप ये काम कर रहे हैं ना बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं तो दो दिन से सोया भी नहीं, आपको सुनता ही रहा, इतना अच्छा फील हुआ मुझे। और दूसरा ये जो अपने शुरू शुरू में बच्चे जाते हैं, अभी मेरा एक लड़का है उसका एडमिशन करवाना है जी, तो शुरू में कोई प्रॉब्लम आती है लाइक खाने पीने का या उधर मन में रहने का या कुछ ऐसा इशू? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, आपने मानो कि वो सबके प्रेजेंटेटिव के रूप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपने ये प्रश्न किया। प्रश्न कहाँ आता है, जब कोई भी व्यक्ति का एक मनोविज्ञान है, गुरुकुल में मैंने पहले बताया कि ये मनोवैज्ञानिक पाठशाला है, गुरुजी उसको ये नाम बताते थे, कहीं पर भी हमारे यहाँ बताया समान कुलम व्यसनेषु सख्यम, सख्य कब होता है मैत्री, समान दोनों का आचार विचार होता है। अब घर का वातावरण यदि गुरुकुल जैसा होगा तो कोई बालक को तकलीफ गुरुकुल में नहीं होगी, गुरुकुल से जितना विपरीत होगा उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। आप समझ गए, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मानो बच्चा हाथ से काम नहीं करता है घर, बराबर माँ कहती है कि मैं कर देती हूँ ना, कपड़े में धो देती हूँ, बर्तन में मांज देती हूँ, आपको नहीं करना है, बराबर। अब बच्चा आपको ये सहज लगता है क्योंकि वो तो माँ के ऊपर प्रेम है, माँ का माँ प्रेम करती है तो ऐसा करती है वो, बराबर। अब वही बच्चे को यदि यहाँ थाली धोनी पड़े, बराबर, तो उसको तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, तो थाली धोते धोते वो रोने लगता है, माँ को याद करता है कि वहां माँ है ना, मुझे दो देती थी, अब वो दिन तो गए, ते ही नो दिवसागत, बराबर, अब यहाँ कैसे मैं दुख में आ गया, बराबर। क्योंकि जितने आप उसको वहां सुविधा देंगे, बराबर, और गुरुकुल में स्वावलंबन होगा, उसको ही करना पड़ेगा, तो उतना। इसके लिए हम क्या कहते हैं, पहले स्वावलंबी बनाइए, पहले अपनी थाली याद से, ताकि थाली धोते वक्त कम से कम आपकी याद ना आए, समझ गए ना। आपको पूरा प्रयत्न करना है कि आपको भूल जाए, तब आप सफल माता पिता है, और हमको पूरा प्रयत्न करना है वो आपको कभी ना भूले, आप समझ गए ना। वो दोनों ये शिक्षा तभी सफल है, हमारे दोनों के लिए आज्ञा अलग अलग, हमको उसको समझाना है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, समझ गए, और आपको ये समझना है कि वो कभी याद ना करे आपको, इस तरह से आपको डिटेचमेंट रखना है। वो बुधवार को हम फोन करवाते हैं तो बात भी क्या करनी है ना, उसको हौसला बढ़ाए ऐसी बात, या बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुकुल जैसी व्यवस्था को मिली। बहुत बच्चे चाहते हैं लेकिन 25-50 को ही मिल पाता है एडमिशन, लाखों बच्चे पढ़ रहे उसको ये सौभाग्य नहीं मिला, आपको ऐसी बात करनी होगी
तो उसका हौसला कभी कभी ऐसा मन भी हो गया ना मैं घर चला जाऊं तो वापस उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। आप मोबाइल को रख देते हो ना रात को रिचार्ज करने के लिए तो डाउन हो जाता है, जैसे मोबाइल डाउन हो जाता है मनुष्य की भी बैटरी डाउन हो जाती है। चलो अभी कहीं नहीं मन लगता है भागना तो घर पे फोन किया ना उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। अब माता क्या पूछती है, गुरु माँ तो बराबर खिलाती तो है ना, बराबर सब्जी में क्या था? कभी कभी मुझे आत्महत्या करने का मन हो जाता है, ये कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि मैं ये से बराबर तो है ना कि ये सब्जी में क्या था, सब्जी तो बराबर है ना, रोटी तो है ना, दूध तो दे रहे हैं ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये गुरुकुल में क्यों भेज रहे हैं, कि ऐसे प्रश्न कि दूध बराबर दे रहे हैं, सब्जी बराबर दे रहे हैं, ये जैसे कि कोई यहाँ पर ये शाला हो कोई अनाथ आश्रम की कि वो बराबर मिल रहा है ना आपको, और डांट तो नहीं रहे बराबर। मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ आघात लग जाता है मुझे, ये क्या मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ माता पिता की बातें सबकी, फिर कभी मैं निराश से शांति से बैठता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि मुझे थोड़ी आशा बन जाए, लेकिन जैसे पढ़ता हूँ निराश हो जाता हूँ कि ये क्या मैं, तो ये आप बात ना करें, आपको बच्चों को हौसला बढ़ाए, घर पे आप स्वावलंबी बनाए, पहली बात आपको स्वावलंबी बनाना है, घर पे कपड़े हाथ से धोना चाहिए, वो सब कुछ काम करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो 5 बजे वो उठ जाना चाहिए, नहीं उठा दूध नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, इतने यदि आप कड़क हो सकते हो तो आप बच्चों को सोचिए गुरुकुल पे बिठाने का। ये मनुष्य को तैयार करने की शाला है, इसके ऊपर परिणाम देना है 7 साल में मुझे, इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और आपको भी मैं करवाऊंगा वो काम, ऐसा नहीं है मैं चलाऊंगा उसको, ये काम मुझे करवाना है क्योंकि मुझे आचार्य तैयार करने हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, गुरुजी को कमिटमेंट दिया है, तो मैं मिलिट्री का कर्नल होता है, वो 5 बजे लोगों को उठा देता है, 3 किलोमीटर दौड़ाता है लाठी मार मार कर, क्योंकि उसका हौसला इतना बढ़ जाए, नहीं तो क्या वो चाइना की बॉर्डर पर, लेह लद्दाख की बॉर्डर पर जहाँ माइनस में तापमान होता है वहां से वो फोन करेगा कि चाइना वे मारते हैं मैं क्या करूं यहाँ, वो पत्नी को फोन करेगा कि ये देखिए चाइना वाले मान ही रह रहे गोलियां ही बरसा रहे तो मैं क्या करूं, तो बोलिए हमारी स्थिति क्या होगी यदि ऐसे मिलिट्री वाले हो गए। आज आचार्य की ये दुर्बलता है कि गुरुकुल के जो लीडर है या तो हमारे धर्मशास्त्र के जो लीडर है वो लोगों को तैयार नहीं कर रहे, वो वैचारिक रूप से इतने गिरे हुए बना रहे, आपको जो चाहिए वो देते हैं कि चलेगा, पिक्चर भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, वो भी चलेगा, इसके लिए हमारी वैचारिक दुर्बलता आती, इसके लिए हमारा वो जिम्मा है, ये मिलिट्री वालों का ये जिम्मा है देश की रक्षा करने का, तो दूसरी ओर हमने संभाली है छोर, और दोनों में एक बात कॉमन है, मन की मजबूताई उनसे ज्यादा हमको चाहिए, वो तो दारू भी पी लेते हैं ठीक है रात को सोने के लिए उसको छूट भी है, लेकिन हमारे लिए तो ये है कि हमको तो दैवी दारू जो दिया है वो पिलाना है उसको, तो इसके लिए आपको जितनी आपके बच्चों पर तैयारी हो, आप जितने अनुशासन बद्धरी से जितना ये प्रकल्प को समझेंगे, जितना बच्चों पर आप अनुशासन करेंगे उसको सही बनाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना गुरुकुल के आप नजदीक आएंगे, तो ये पहला है, ये आपको करना पड़ेगा और बाद में हम हमारा काम करेंगे, तो इतनी तैयारी करा के आप कभी भी ला सकते हैं, लेकिन इतनी तैयारी होनी चाहिए आपकी, नहीं तो हम आपको यहाँ से भेजते हैं कि आप इतनी तैयारी कर दीजिए, हम एनालिसिस करते हैं बच्चों को देखते हैं वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा, तो वो आप 1 साल के बाद भी बहुत लोगों का एडमिशन होता है, तो इसके लिए क्योंकि वो हमको बनाने की जिम्मेदारी है परिणाम देने की, ऐसे ही नहीं रखना है उसको, उसको हर पल उसका चिंता होती है हमको कि इसका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये स्कूल नहीं है, इसके आचार्य की चिंता होती है, मैं सोता नहीं हूँ, मैं एक पत्रे के मकान पे रहता हूँ, आप सब लोग जो सुन रहे हैं ना वो सबके घर मेरे घर से तो अच्छे ही है उस झोपड़ी में, और मुझे उसका बड़ा गौरव, और मैं कोई भी वाहन का उपयोग नहीं करता, कभी मुझे जाना पड़े तो मेरी छोटी सी गाड़ी में और भी कोई लोग होते उसके साथ में मैं जाता, मैं कोई भी सुविधा भुगत नहीं रहा हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे स्वावलंबन सिखाना है, मैं अपना पानी का गिलास भी अपना भर के आता हूँ, बच्चों को नहीं कहता हूँ कि मेरा पानी का गिलास भर कर आओ, तो मैं खुद स्वयं जीता हूँ, मेरी अति खर्च कम करता हूँ मैं, तो ये एक मेरा मिशन है, उसमें आप बच्चों को जोड़ सकते हैं, आपको ये मिशन अपना लगना चाहिए, गुरुकुल जब से आपका लगेगा तब आप मानो कि गुरुकुल की शिक्षा बालकों को आपने बहुत कुछ देने की तैयारी कर, ये शिक्षा के बिना बालकों का उद्धार ही नहीं है, और एनी कॉस्ट, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते,
लेकिन आपको ये होना चाहिए कि एनी कोस्ट बालकों को कुछ दिलाना है तो गुरुकुल की शिक्षा ही दिलानी। आप इतनी तैयारी करिए, आपका स्वागत है बाद में, तो ये ठीक है। ओके, और कोई क्या प्रश्न? नेक्स्ट जी। जी नमस्कार मेहुल जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। जी हाँ मेहुल जी, ऐसे तो सवाल बहुत है लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा आज। ठीक है, कोई एक प्रश्न करे। हाँ, मैं तो मेरे जीवन बदला है आपसे, 4-5 साल से मैं आपको और जिज्ञासा बहन को सुनते सुनते मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, और मेरे बच्चे हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, और आपके गुरुकुल के दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, अभी भी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी से मेरे मन में इच्छा है, मैं घर में भी बोला कि बच्चे को गुरुकुल में ही पढ़ाना है और समाज के लिए काम करना है। ये तो रहा एक बात, और दूसरा एक थोड़ा सा सवाल था, संक्षेप में अगर हो सके तो बोलना गुरुकुल के विषय में। आप हाँ, गुरुकुल के विषय में। हाँ जी, जैसे भारत में गुरुकुल बहुत सक्षम थे, उनके जो विद्यार्थी थे उनको सब कलाएं सिखाया जाता था, तो रक्षा भी उनको सिखाया जाता था, लेकिन ऐसे हाँ, लेकिन कैसे ऐसे कैसे हो गए कि अंग्रेज आए, उनके गुरुकुल ध्वस्त कर दिए, लेकिन वो बच्चे अपने गुरुकुल को रक्षा नहीं कर पाए, और कैसे अंग्रेज आए, मुगल आए, कैसे, थोड़ा जानना था जी। एक भी एक आप बात याद रखे कि सर्जन का काम जितना समय लेता है, जितना परिश्रम लेता है, जितना समय लेता है, उतना विसर्जन नहीं लेता है। विसर्जन करना एकदम आसान होता है, सरल होता है, सुलभ होता है, क्षणिक होता है। तो उसकी बड़ी हिस्ट्री है ऐसे तो, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का इतिहास के हम जब प्रवचन लेते हैं उसकी पूरी सीरीज चलती है, ताकि लोगों को पूरा इतिहास पता चले, यथार्थ इतिहास के बारे में भी हम कथात बताते। मैं संक्षिप्त में भी बताऊंगा क्योंकि आपका प्रश्न है यथार्थ इतिहास का। तो गुरुकुल के जो रक्षा की बात थी, वो रक्षा के लिए भी सक्षम होते थे, लेकिन कुछ तैयारी ऐसी होती है जो जितनी बुद्धि नाश में चलती है राजस लोगों की, उतनी सात्विकों की रक्षण में नहीं चलती। आपके ऊपर कोई पीछे से वार कर देगा आप क्या, क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजी से जिए, वो प्रामाणिकता से, तो सामान्य व्यक्ति सामने वाला आपसे बहुत बड़ा धोखा कर सकता है, और आपको अंदाज नहीं आता है, वो आपका दोष नहीं है, वो आपका गुण है। क्योंकि आपने कभी धोखा दिया न हो तो बहुत मुश्किल होता है आप धोखे से बच पाए, बराबर, क्योंकि वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आपकी वो टेंडेंसी नहीं रहती। इसके लिए देखियो, लुटारे को लूटना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लूटा जो लूटता है वो बहुत तरकीबें जानता है कि उसको कोई लूट ना ले, आप समझ गए। लेकिन आप कमा रहे हो पैसा, तो इसके लिए रक्षा की व्यवस्था तो थी, लेकिन कुछ हमारे आंतरिक दोष थे और कुछ सद्गुण विकृति थी। ये दोष दो थे हमारे भारतवर्ष के, दो दोष खास करके हमारी आंतरिक विकृति, सद्गुण विकृति और आंतरिक दोष, तो वो बहुत सारे थे। तो उसमें बहुत समय समय पर, जैसे कभी कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, कास्टिज्म आ गया पूरा का पूरा, उसके कारण बहुत लोग अलग अलग हो गए, तो एक मत नहीं बन पाया, एक वाक्यता नहीं बन पाई, इसके लिए अलग अलग लोग होकर रक्षा का करते थे या कुछ भी। आने वाले लोग थे वो समूह में थे, वो पाशविक वृत्ति थे, उसका नियोजन तुरंत होता था। आप देखिए, जितना बुद्धिमान व्यक्ति ना, उतना उसकी यूनिटी बनना कठिन, क्योंकि हरेक को लगता है मैं कैसे मानूं, या तो बहुत बड़ा बन जाए तो यूनिटी हो, या बहुत छोटा बन जाए तो यूनिटी। छोटे लोगों की आप देखिए, कभी भी छोटे लोग तुरंत एक साथ हो जाते, बराबर। दारू वाले की कितनी यूनिटी, पूरे भारत में दारू की सप्लाई कहाँ है वो एक फोन से आप पता कर पाओगे, जो उनके साथ कॉन्टेक्ट में है वो बताते हैं कि एक फोन से पता चलेगा कहाँ माल है, तो वहां से आ जाएगा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जबकि दारू के ऊपर पूरी पाबंदी गुजरात में, तो भी पूरा नेटवर्क भारत भर का, और पूरा का पूरा जो वाइट, मतलब एक भी पैसा जो ब्लैक का पैसा होता है स्मगलिंग का, उसके कोई लिखा पड़ी नहीं होती, तो भी सालों से वो बिजनेस स्मगलिंग का चल रहा है। कैसे, केवल बोलने से, उसने बोला आप इसको दे दो, मैं 1 करोड़ दे देता हूँ, 50 लाख दे देता हूँ, और वो पूरे प्रामाणिक, खुद चोरी करते हैं सब मिलकर, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में फिर प्रामाणिक। तो ऐसा होता है कि एक यूनिटी की कुछ आंतरिक दोष थे, कि
कोई भेदभाव आ गया, कुछ हो गया, तो वो उतनी भूले हुई इतिहास की, और इसके कारण ऐसा हो गया। वो एक हमारा बहुत बड़ी दुर्घटना आप मान सकते हो कि इसको भारत ने शिक्षा लेनी चाहिए। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ, ये हो गया उसको वापस नहीं कर सकते, उसको केवल हम पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसकी भूलों को पता कर सकते हैं कि क्या क्या गलती हमारे से हुई। केवल दूसरों से हुई वो आप तो बताते हैं, और वो गलती नहीं अत्याचार हुआ हमारे ऊपर, लेकिन हमारे से भी कोई गलती हुई तो वो हम बालकों को देते हैं ताकि हम ये इतिहास से शिक्षा ले सके। बहुत सारे कारण है यथार्थ इतिहास में, एक एक घटना का मैं विवरण करूंगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी को नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई कैसे, उसके ऊपर रक्षण करने वाले कौन थे, कितनी प्रतें थी, कैसे जली। और आप यदि वो सोचोगे तो आपको अपने इतिहास पर गौरव हो जाएगा, दूसरी ओर भूलों को देखकर आपको जागृति आ जाए कि ये भूल अब दूर दूर तक हमसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी अव्यवस्था को एक भी तरह का हमारा सपोर्ट नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। कभी भी दृढ़ संकल्प होकर ये बात सूक्ष्मता से भी हम चला नहीं लेंगे तो ये जागरूकता संस्कृति गुरुकुल पे हम यथार्थ इतिहास का एक बड़ा विषय है उसमें लेते हैं। तो मैंने दो बात बताई, सद्गुण विकृति मतलब क्या। सद्गुण विकृति मतलब हमने देखा उदाहरण में कि कोई तीन बार पांच बार अत्याचार करता है, छठी बार भी उसको छोड़ दिया जाता है क्षमा के नाम पर, ये क्षमा नहीं है, ये सद्गुण की आई हुई विकृति है, वो अतिपन है। इसके लिए भगवान ने गीता में बताया है, भक्त कितना भी हो जाए उसको एक गुण बहुत आवश्यक होता है, वो है दक्ष का, वो भोला भाला नहीं। भोला भाला व्यक्ति व्यवस्था को नहीं चला सकता है कि जो कोई आए कैसा भी कहे वो भोला भाला है, कोई उसको चीट करके ले जाए तो वो व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी योमद भक्त समय। उसमें सबसे बड़ा गुण जो है ना वो दक्षता का है, कहीं ना कहीं अच्छे बातों में आचार्य के पास से ये गुण चला गया, दक्षता का। गुरुजी ने इसके ऊपर प्रवचन किए है कि गुरुकुल का आचार्य का पहला गुण वो दक्ष होना चाहिए। तो हम इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था के सामने बोलते है के सामने सब लोग अच्छे नहीं होते, तो ये दक्षता का गुण होना है ना वो बहुत बड़ा गुण होता है। इसके लिए कभी कभी ये दक्षता को हमने गौण कर दिया, भगवद गीता के ऊपर हम चलते बहुत अच्छा, लेकिन कुछ भूले हो गई। और ये सी कोई भी प्रजा के साथ होती है, ये कोई भी जगह पर हो सकती है, ये कोई वो नहीं है। इसके लिए देश इतना गुलाम रहा, इसके लिए ये देश ने इतने अत्याचार सहन किए, और इस देश ने इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतना परिश्रम होने के बावजूद भी, इतनी तपश्चर्या होने के बावजूद भी बहुत कुछ बचाए रखा। वो एक आप बात याद रखें, आपने गया हो तो बहुत लोगों को सुना है लेकिन बचाने वाले को लोग भूल गए हैं। आज गुरुजी ने भी अंग्रेजों के हाथ की लाठियां खाई और जब समय आया तो बीच प्रवचन में उठकर एक लात भी लगा दी भारतीय संस्कृति के विरोध में बोलने वाले व्यक्ति को, इतनी हिम्मत थी बराबर। वो भी एक कार्य किया जो बिल्कुल सम है, चींटी को भी मारने का कभी विचार नहीं करते थे, जो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, खुद कितना अहिंसा का जीवन परितृप्त, वो भी भारतीय संस्कृति के विरोध में अंग्रेज ने वाराणसी में बोल दिया युवा अवस्था में, गुरुजी ने उसको एक लात मार दी थी उस टाइम अंग्रेज को भी, क्योंकि किसी का भी डर। और वही व्यक्ति को जब अंग्रेजों ने मारा गुरु को, वो तो आपको इतिहास नहीं, गुरुकुल को प्रत्यक्ष गुरुजी ने जिया है, वो प्रत्यक्ष लाठियां खाई है, तो उसको पता था इंडियन एजुकेशन एक्ट आया उसके बाद गुरुकुल की स्थिति क्या हो गई, सत्ता कितनी बड़ी बात होती है, राज्य के लिए कितनी बड़ी बात होती है किसी के पास सत्ता होना, एक लो बदल जाता है तो देश की स्थिति क्या हो जाती है, वो गुरुजी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इसके लिए ये सारी गलतियां हुई, कुछ सत्ता से हमको करवाई गई, क्योंकि राज जिसका होता है वो बहुत बड़ी घटना होती है। एक राज्य आपके पास से चला गया तो गुरुकुल की रक्षा को आप 50 लोग लगा दो तो राज्य व्यवस्था ठीक नहीं है ना, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव करती है। और हमारा जो बहुत बड़ा ये हुआ वो गुरुकुल को नुकसान हुआ, राज्य व्यवस्था थी वो बहुत विपरीत लोगों के पास चली गई, तो ये बहुत गलतियां हुई, वो गुरुकुल से भी ज्यादा गलतियां राज्य व्यवस्था से हुई और उसके कारण सब कुछ सहन करना पड़ा। बहुत सारे पाठ सीखने जैसे है, उसकी एक एक में घटना बताऊंगा। पाकिस्तान बना है, उसको बनाने वाला भी एक गुजराती व्यक्ति, उसकी भी मैं घटना बताऊंगा कि धर्म क्षेत्र में भी जब हमारी अंधश्रद्धा प्रवेश कर देती है, और इसके लिए वक्ता को बहुत सोच समझकर आप सुनो, किसी का भी यूट्यूब पर लेक्चर सुनना है बहुत विचार करो, बच्चों को सुनाना है बहुत विचार करो, वो आदमी ने कितना पढ़ा है,
वो आदमी के पास अहंकार कितना है, वो कितनी व्यवस्था को समझता है, वो सब सोच कर आप उसकी गहराई को जानो। कोई भी व्यक्ति आत्मा से जागा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति के पास वो समर्पण नहीं आ सकता है, वो गुरु को ही कब्र में डांट कर खुद उठा हुआ होता है। तो इसके लिए भारतीय संस्कृति में विचारता और समर्पणता बहुत महत्व का है। इसके लिए भारत में ऐसी बहुत कुछ हुई लेकिन यथार्थ इसिया छिप गया। इसके लिए आपको ये प्रश्न है, मैं तो ये प्रश्न को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। और मैं एक एक घटना ये लेते जाता हूँ, गुरु जी ने जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात सुनाता हूँ। ये इसके वो टाइटल रखकर प्रवचन सीरीज ली थी, जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात मैं आपको सुनाता हूँ आज। तो ये कैसी कैसी घटनाएं हुई, कैसी भारत ने कहाँ गलती की वो भी गुरुजी ने बताया, और उसके बाद क्या क्या सिचुएशन हुई, और दैवम चैवात्र पंचमम के कारण, दैव तो कहीं पर भी है ही कारण, इसके लिए हम आते आते यहाँ आ गए। एक हमारे लिए आशा का किरण बन गया इतने अंधेरे में भी, कि गुरुकुल शिक्षा को गुरुजी ने जीवंत रखा। एक एक बातों को इतना सोचा कि जीवन भर उन्होंने एक कार्य किया, वो विचार का किया। एक बात उन्होंने ली कि जीवन भर विचार, जीवन भर पढ़ाना, जीवन भर चिंतन, ये उन्होंने अपना पर्याय बना दिया साधना को। और इसके कारण ये गुरुकुल का जो विचारिक देह है, जो अभी शाब्दिक देह में हम परिणत करने वाले हैं, ये विचार देह को शब्द देने वाले हैं संस्कृत आर्य गुरुकुलम में, कि भारत की ऐतिहासिक विचारधारा, भारत की ऐतिहासिक भूले, यथार्थ इतिहास, यथार्थ रामायण, यथार्थ गीता का मार्गदर्शन, गीता की परिवार व्यवस्था, गीता की दृष्टि से संसार, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म यथार्थ रूप में क्या है, आयुर्वेद की संहिता है, आयुर्वेद की परिषद है, ऋषि मुनियों का दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी विचार हम एक 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 करके, ये बहुत बड़ा काम अभी हम करने वाले हैं। इसके लिए ये तैयारी चल रही है अभी। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ये भूले हुई, कुछ हमारे से हुई और कुछ हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। कितना भी रक्षा करो, कर रहो, कितनी भी कलाएं सीख लो, तो भी ये हो सकता है। मानो 10 लोगों ने आपको घेर लिया, आप क्या करो? तो वो कुछ दुर्घटनाएं होती है जो हम सोच नहीं सकते, लेकिन उससे हम कुछ लेसन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा जागरूकता का अभाव हुआ, इसके कारण हुआ। इसके लिए ये सदी जो पूरी है, ये कम से कम ये 10 साल है, वो जागरूकता के लिए दे, और एक भी विचारधारा गलत न हो हमारी। हम यथार्थ विचारधारा को ही प्रमोशन करेंगे। और दुख की बात है, आज जितने भी आप यूट्यूब से सुनते हो वक्ता को, वो वक्ता के पास ज्यादातर उसमें वक्ता ऐसे है जिसको कोई वैचारिक गहराई नहीं, जिन्होंने कोई भारत का इतिहास पढ़ा हो, संस्कृत जानते हो, और उन्होंने कुछ मूल का पढ़ा हो ऐसा नहीं है। वो ऊपर ऊपर की बात उन्होंने जानी है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, पूरा का पूरा मूल तक समझ देना है, ताकि आपको यथार्थ रोग को पता चल जाए, उसके बाद आप उसका उपचार कर सके। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये चिंतन करे, इसके ऊपर विचार करे। पुनः हम इसके ऊपर इतिहास के ऊपर एक लेंगे कि गुरुकुल का इतिहास क्या था, गुरुकुल कितने प्रकार के थे, गुरुकुल पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, शिक्षक आचार्य के क्या गुण थे, गुरु आचार्य कैसे पढ़ाता था, गुरु माता की अनिवार्यता क्यों थी, क्यों गुरु माता चाहिए, उसका क्या रोल होता था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रभु प्रसाद से इतने संयोग बन गए, नहीं तो गुरु माता का होना बहु आज के काल पे असंभव। संस्कृति गुरुकुल में गुरु जी की प्रसादी, मेरा होना या किसी का भी संस्कृति आर्य गुरुकुलम में वारिस बनना, हमारे मित्रों का, हमारे सही, वो आप मानिए प्रभु कुछ इच्छ रहा है, इस कार्य के पीछे भगवान है। नहीं तो ये कभी ये संजोग कोई प्रधानमंत्री होकर भी खड़े नहीं कर सकता। एक प्रधानमंत्री बनकर एक गुरु माता वाला गुरुकुल खड़ा करके दिखाए, राष्ट्रपति होकर ये काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे हमारा नित्य स्पर्श हमको प्रभु का है, वो भगवान ये व्यवस्था को फिर से खड़ी कराना चाहते हैं, उसके लिए निमित्त बनाते हैं अनेकों को। वो हमको केवल ये बात नहीं है, हमारी ये अनुभूति है, हमारे ये जीवन की अनुभूति हम करते हैं, ये 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 हम स्पष्टता देखते हैं। ये गुरु जी के पीछे यदि ये विचार नहीं होता, यदि ये स्पष्टता नहीं होती विचार की, तो ये पूरा का पूरा जीवन वो प्रभु समर्पित नहीं कर सकते थे। उनके पीछे, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। एक 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 व्यक्ति तो आज करोड़पति बन जाता है आयुर्वेद का एक कोर्स कराकर। उनके पास बहुत कुछ कर सकते थे, ये शॉर्टकट ले सकते थे,
लेकिन वो व्यवस्था को आदमी को खड़ा नहीं कर सकते थे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये प्रभु का कार्य है, हमारे अंदर का भगवान साक्षी है और हर पल ये साक्षी बनकर हम कार्य कर रहे हैं। जो भी गलती हुई उसको भूल जाए, उससे शिक्षा ले ले। कृति को हमारा ऐसा शास्त्र कहता है, कृति को भूल जाए भाव को याद रखे। तो भूल को याद रखे, वो पुनः न हो इसके लिए याद रखे, उससे शिक्षा ले, हम अच्छी बातों की शिक्षा ले। और आचार्यों ने जो एक बहुत बड़ा अध्याय विस्मृत हो गया वो कभी हम लेंगे, वो है आचार्यों का प्रयत्न। आपको पता है आचार्यों के हाथ काट दिए थे अंग्रेजों ने, उसकी पूरी लिस्ट है किन किन आचार्यों के काट दिए थे। जैसे वाराणसी के केवल एक अकेले वाराणसी के 192 व्यक्ति जो जीवन भर अपंग हो गए पैर काट दिए, तो और वो अवस्था में भी उन्होंने जो संकल्प दिखाया अपने जीवन का, उन्होंने जो अडिगता दिखाई, वो हम क्यों भूल जाए, हम क्यों कहे कि वो सुरक्षा नहीं कर पाए। वो अडिगता उन्होंने रखी, जो उन्होंने संकल्प रखा, जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, उसका 1% विश्वास यदि हम पर आ जाए, घटित हो जाए यदि हमारे जीवन में, तो हम हमारी कार्य करने की गति 3 गुनी हो जाएगी। आज हम छोटे छोटे प्रश्नों में स्किप कर देते हैं। आज छोटा कोई प्रश्न आ गया, मानो एक कोई प्रश्न आ गया कि बच्चा क्या करेगा, किसी ने बता दिया कि इसमें कुछ दम नहीं, बस हमने स्किप कर दिया। तो हम क्यों ये भी भूल जाए कि किसी ने पैर काटने पर भी अपने जीवन में अडिगता रखी है। और ये जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे छोटे छोटे प्रलोभनों को तो मैं फू करके लात मार देता हूँ, ये मैंने शिक्षा ली है। कोई भी व्यक्ति ने मुझे पैसे की थैला भर के आया था कि आप केवल मेरे साथ पार्टनरशिप में स्कूल कर दो, बराबर हम पैसे कमाएंगे और आप आधा ले लेना, मैं भी आधा ले लो, ये थैला मैंने उसको आगे, इसको छूने मत देना, फिर राम का 1 रुपया आज तक मैंने किसी का नहीं लिया है। गुरु जी की शिक्षा ये दी है, मैंने जो प्रेम किया है विद्यार्थियों के ऊपर वो आज मैं निस्वार्थ प्रेम कर पाया हूँ। आज कोई एक बता दे संस्कृत यार ये गुरुकुलम ने 1 रुपया में हुल भाई ने कर दिया हो, और ये मैं गौरव लेता हूँ उसका। ये प्रलोभनों को मैं लात मार सकता हूँ, आप भी मार सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को प्रश्न आए तो मैं एक ही अंतिम बात बताता हूँ, आप आचार्यों ने जो बलिदान दिया है ना वो आप एक बार पढ़ लो, वो इतिहास सामने नहीं, ये हम हार गए वो सामने है, लेकिन हारे कैसे, हारने के बाद भी हम बहुत कुछ बातों में जीत गए, बहुत हार गए हैं, लेकिन आज काश्यप संहिता नहीं बचती आज हमारे सामने है, चरक नहीं बचते वो सामने है, आज इतना ज्ञान हमारे सामने है, उसके ऊपर अब दृढ़ संकल्प होकर काम करना है। अब पीछे वाले गाली गलौज को तो कम करेंगे, आगे आने वाले को भविष्य का सोचेंगे, और उसके लिए जो त्याग करना पड़े वो आप त्याग कर दीजिए, जो त्याग करना पड़े, और वो मैं करके बताता हूँ, बराबर वो करके कहता हूँ कि आपके कोई प्रश्न होंगे वो होंगे, ये सदी का ये बात है। आप जितना आज ये सेशन कदाचित 2 बजे तक चलेगा, मैं ये चाहता हूँ आपके श्रोतावर को, राजेश्वर राव जी ये चाहते हैं, एक भी श्रोता उठना नहीं चाहिए, क्योंकि दाव लगाए बिना कुछ नहीं होगा, बराबर मैं आज लगाता हूँ दाव, और मैं आपको बताता हूँ आप दाव लगाइए, आपकी शक्ति 50 गुनी बढ़ जाएगी, आपके पीछे भगवान आ जाए जो वचन से बद्धे है, आप साथ नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तातक, यदि उतने संकल्प बद्ध हो हम बहुत बड़ा मिलन करेंगे। मुझे सबसे बड़ी आशा साउथ से थी, बेंगलुरु से, मैं प्लेन से तो वो ठीक थे, सुविधा थी, तो बाकी मैं ट्रेन के जनरल डब्बे में भी जा सकता हूँ, और हम गए। राजेश्वर राव जी ने रात दिन प्रयत्न किया, रात दिन जोड़ा, सब बातें हो गई। साउथ में गुरुकुल 4 लोग करेंगे, पश्चिम में करेंगे, उत्तर में करेंगे, पूर्व में, पश्चिम में, बाद में लोग आए ही नहीं अपने अपने अनुकूल से, क्योंकि मेरा मिशन अलग, कोई बताते मेरी संस्था तो अलग है, कोई बोलता है कि नहीं मैं तो ये एनजीओ चला रहा हूँ, कोई बोलते नहीं मैं तो खेती का काम कर रहा हूँ, तो वो सब अलग अलग हो गए, क्योंकि लोगों को लगा इसमें तो भाई मिलने वाला तो कुछ नहीं। तो ये छोटी विचारधारा भी भारत को अब तक ये वायरस की तरह खा रही है। कोरोना तो बहुत बाद में आया, ये कोरोना को सालों से अभी हमको हमारे मस्तिष्क में बैठा है, जिसको निकालना है, कोरोना से भी खतरनाक है। तो मैं ये चाहता हूँ, राजेश्वर राव जी ने तो रोए थे, और राजेश्वर राव जी सबसे दुखी हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा परिश्रम उन्होंने साउथ के लिए किया था, मैं उसका साक्षी, और इतना प्रचार करने के बाद भी लोग दूर हो गए, तो मुझे सबसे बड़ी दुख की बात हो गई कि ये क्या हो गया।
तो अब जो खड़ा करना है वो संकल्पबद्ध व्यक्ति तैयार किए, इसके लिए ऑनलाइन क्लास चालू किया है, उसमें फिल्टर लग जाएगा, जो लोग जुड़ना है जुड़ ही जाएंगे और जुड़कर रह जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है, राजेश्वर जी बता रहे, मैं भी अलग गुरुकुल कर सकता था, मेरे पिताजी के नाम का, मेरे नाम का, संस्कृति आर्य गुरुकुलम, गुरु जी के नाम से ही मुझे लेना है, मुझे कोई अपना नाम बनाना नहीं, ख्यात बनानी नहीं, कुछ नहीं है, मैं उन्हीं के नाम से जानू, मैं उन्हीं के नाम से पहचानू। तो आप भी ऐसा करिए, आप छोटा एक अहंकार छोड़ दीजिए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे ऐसा हो, मुझे पसंद नहीं है, आपकी पसंद नापसंद को आपको आहुति देनी है ये यज्ञ में, आपको और चावल की घी की वह देनी है तो दीजिएगा, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, पैसे की आपको नहीं देनी है, संस्कृति गुरुकुल कभी आपको नहीं बताएगा। तो कोई फंड में, कोई परिग्रह में हम मानते नहीं, इतनी इकट्ठे करने नहीं, बराबर है, आपको आहुति देनी अपने अहम की दीजिए, वो ये गुरुकुल का बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, ये गारंटी संस्कृति आर्य गुरुकुलम विश्वनाथ गुरु जी के तरफ से मैं दायित्व देता हूँ आपको। जीवन भर एक भी कलंक हमारे संस्था पर नहीं है कि इतना खा लिया उतना, क्योंकि वो गुरुकुल ऐसी बातों पर बिल्कुल नहीं जाता है, छोटी छोटी बातों पर। तो आप भी इस तरह से संकल्पबद्ध रहेंगे तो अवश्य भारत से भूले हुई है, भारत के लोगों से हुई है, लेकिन एक आचार्य का गण ऐसा था जिन्होंने डटकर सामना किया है, जिन्होंने अपने जीवनों को दाव लगाया, अपनी पत्नियों का, अपने बालकों का दाव लगा दिया है, उन्होंने अपनी आजीविका का नहीं सोचा है, मैकोले शिक्षा के लाखों रुपए की ठोकर मारकर वो व्यक्ति भूखा रहकर पढ़ाने वाले को मैंने देखा है, वो व्यक्ति को चार रोटी कमा कर आता था, दो शिष्यों को खिलाता था, वो आचार्य है ना, वो पढ़ा सकता है, वो हृदय से कुछ दे सकता है। तो वो भी आप न भूले, ये भी व्यक्ति है, ऐसा भी भारत में हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये मेरा इतना कहना है, इतिहास के दूसरी तरफ देखिए, ऐसी घटनाएं भारत में घटी है, आपकी छाती फूल जाएगी कि मेरा जन्म किस देश में हुआ है, मेरे देश की क्या परंपरा रही है। आप दूसरा पार्ट भी देखिए, आपने एक पार्ट देखा है बहुत अच्छा है, दूसरा भाग में आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी अडिगता रखी है, इसके लिए थोड़ी बहुत अडिगता हम पर आज आ सकती है, थोड़े इतने विपरीत वातावरण में हम जो काम कर सकते हैं वो इसके कारण कर सकते हैं। आज भी 11 बजे गुरुकुल का सुनने वाले भारत में है, और तो ये इसका कारण है कि कहीं ना कहीं उन्होंने विचार रख दी है, इसके बाद सब वक्ताओं ने अपने अपने कार्य किए हैं और वो अविरत परंपरा हम चलाएंगे। तो इसके लिए अब जो भी हुआ आगे का नया एक ऐसा बनाएंगे, इतना विचार पूर्वक होगा आगे का कदम कि अब एक भी अंग को छोड़ना नहीं है, गुरुजी ने विचार कर लिया था। इसके लिए देखो एक भी अंग गुरुजी ने अछूता नहीं रखा, कृषि है तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने मंत्र औषधि कृषि का प्रयोग किया, बच्चों को उठाने के लिए उन्होंने मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन किया, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए क्या करना है वैदिक पेरेंटिंग का प्रयोग किया, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए बाहर क्या भेजना है वैदिक बाल संस्कृति आर्य बालशाला वैदिक बालशाला नाम का प्रयोग किया, वो पूरा नहीं दिया, शनि रवि के गुरुकुल लघु गुरुकुलम नाम से दिए, उसके पूरे कोर्स दिए, गीता है जो गाया जाता है वो टिक्का है, ये ध्येय को रखकर गुरुकुल के गीत गुंजन दिए कि पूरे के पूरे तत्व ज्ञान को गीत में समझाते हैं, पुनर्जन्म से लेकर सभी व्यवस्थाओं का स्पष्टीकरण व्यवस्था का विनिमय करके एक पुस्तक, गुरुजी ने अर्थशास्त्र के ऊपर उद्योग खड़े किए, लघु गृह उद्योग गृह उद्योग बहनों को रोजगारी के लिए, गुरुकुल के विद्यार्थी को स्वावलंबन सिखाने के लिए स्वनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने प्रयोग दिया वो स्वावलंबन का दिया, लघु उद्योग गृह उद्योगों का दिया, चाणक्य के अर्थशास्त्र के ऊपर अपनी जयमंगला करोड़ पत्र लिखकर गुरुजी ने अर्थशास्त्र पर बहुमूल्य प्रदान कर दिया, अध्यात्म क्षेत्र में उनका प्रदान, अर्थशास्त्र में प्रदान। तो भारत की देखो सब व्यवस्था के ऊपर ये नहीं किया होता, संस्कृति आर्य गुरुकुलम की स्थापना करके नई पीढ़ी का निर्माण, आचार्य का निर्माण करना ये सदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, गर्भ संस्कार मंत्र औषधि गर्भ संस्कार देकर दिव्य आत्माएं आए इसके आह्वान की पूरी विधि जो भारत भर में भूल गई थी, कोई कोई आचार्यों ने जीवंत रखी थी, वो आचार्यों से गुरु जी ने ली और वो आचार्यों के पास से लेकर पूरा का पूरा दिव्य आत्मा अवतरण का विज्ञान गुरुजी ने प्रात्यक्षिक करके दिखाया। इसके लिए तीसरी पीढ़ी संस्कृति गुरुकुल के ऊपर मैं आया हूँ, ये तीसरी पीढ़ी गुरुकुल ने देखी, आज कोई भी संप्रदाय का तीसरा व्यक्ति इतना दृढ़ आया हो, मैं दृढ़ हूँ ऐसा नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन मैं कुछ कर पाया हूं तो आप एक संप्रदाय का दीजिए कि जैसे तीसरी पीढ़ी तक काम हो, वो कार्य ही पवित्रता बताता है उसकी, वही बताता है कि ये कोई भी कार्य यदि थोड़ी सी भी दूर हो जाए ना गफलत, तो दूसरी पीढ़ी भगवान उसको टिकाते ही नहीं है, भगवान उसको नष्ट कर देते वो कार्य समाज में से, उसको हटा देते थे, हटा देते हैं आज तक को शक्ति चिरंतन शक्ति करती आई है, क्योंकि थोड़ी सी भी उसमें दिखे थोड़ी तो वो हटा देते हैं। गुरु जी ने बताया है संस्कृति गुरुकुल 10 पीढ़ी तक टिकेगा, 10 पीढ़ी तक आचार्य की परंपरा टिकेगी संस्कृति आर्य गुरुकुलम को। वारी यदि आरस और पारस मिले या न मिले, पैसा या तो फिर आरस अर्थात मंदिर के पत्थर वो मिले या न मिले, अर्थात हमारा पत्थर वाला गुरुकुल बने या न बने, पारस सोना मिले पैसा मिले या न मिले, वारिस मिलते रहे 10 पीढ़ी तक। गुरु जी ने बताया ये विचार में ताकत होगी ना तो 10 पीढ़ी तक संस्कृति गुरुकुल की परंपराएं 10 पीढ़ी तक भारत को मार्गदर्शन देती रहेगी। आप उसको थोड़ा विचार करिए, संस्कृति आर्य गुरुकुलम की विचारधारा को जानिए, उसको समझिए, उसको कार्य को समझिए, कार्य के महत्ता को समझिए, कार्य को सूक्ष्मता से गहन करिए, और जो भी न्यूनता है वो पूरी मेरी है, और जो विचार की सक्षमता है वो पूरी गुरुकुल से आई हुई है, मैंने कभी विचार दिया है वो पूरा का पूरा गुरु जी का विचार लिया है आपको दिया है, ये काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आगे लंगे या पूरा करते हैं वो आप बताइए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य जी आज जो आप बहुत इमोशनल हो गए थे आपका गुरु जी को मनन करते करते आप बहुत इमोशनल हुए, बहुत अच्छा लगा। यह ना ये गुरुकुल व्यवस्था जाने के लिए हम लोग मेकाले को या किसी को ब्लेम करते हैं, लेकिन आज भी घर घर तक ये ज्ञान आचार्य जी पहुंचा रहे, लेकिन 200 लोग जुड़ रहे, तो जो समाज में बुराई का सो बुरे लोगों के वजह से बुरा नहीं होता कभी भी, लेकिन ये करोड़ों देशभक्त है क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, आप सोचने से आपको समझ में आता है सही कारण क्या है। कितने आध्यात्मिक संस्थाएं है, कितने देशभक्ति है, स्वदेशी है, योग मन, बहुत लोग है गोभक्त है, देशभक्त अपने आप को मानने, लेकिन क्यों अलग जगह गड्ढा खोद रहे हम, क्योंकि जाने से पहले गड्ढा चुड़ के जाना है या कुआ चुड़ के जाना है नेक्स्ट जनरेशन ये सोच, तो कुआ चुड़ के जाना है तो आचार्य जी का प्लान में जो है हम लोग जुड़ना है, इतना आसान है, लाखों करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, कितना आसान है हम सब लोग मिलके ये सेशंस को प्रमोट करने से, तो जो प्लीज पार्टिसिपेंट बने, ग्रुप में 1400 लोग हैं लेकिन 200 लोग जुड़ते हैं, बाकी करोड़ों लोग हैं बाहर देशभक्त, लेकिन उनको तो ये मार्स में जुपिटर में चल रहे सेशंस, तो समाज में जो ये गुरुकुल एक दिन में वापस लेके आ सकते हैं, आचार्य जी बोलते ना एक ही जगह गड्ढा खोदने का, करोड़ों लोग एक जगह गड्ढा खोदने से एक दिन में कुआं बनेगी, एक दिन में फिर सेम सिलेबस होगा, सेम हम आचार्य जी जो है सिलेबस भी सेट करेंगे, एक परफेक्ट सिलेबस सेट करेंगे, और गांव गांव में शहर शहर में जो है वो गुरुकुल चलेगी, हम लोग मिलके काम करने से कितना आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इनके वजह से गया गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, लेकिन बुरे लोगों की वजह से नहीं गया, अच्छे लोग जब सपोर्ट नहीं करते तब मिलके मिलके करना। अभी ये सेशन को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 5 लोग 10 लोग 20 लोग, तो ये समझिए, तो ये समझने से जो है आज रात को नहीं सोएंगे, आज रात को मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश तो करेंगे, भगवान का हाथ में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मिलके तो एक ही जगह गड्ढा तो खोदे, आचार्य जी का प्लान को हमारा प्लान मानना है, तब भी जो है आप एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, लेकिन अदरवाइज जिंदगी भर जो है मेरा प्लान मेरा एफर्ट से अलग जगह गड्ढा खोदते रहेंगे, वो गड्ढा गड्ढा ही बनेगा, कुआ नहीं बनेगा, कुआ बनना है तो आइए मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, नहीं तो जो है आचार्य जी 4 साल पहले जो हम लोग कितना कष्ट किए थे, तो ये भी जो है संस्कृत में भी 100 लोग 120 लोग अभी कम हो रहे, क्यों भारत में बच्चों को संस्कृत नहीं चाहिए क्या, तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयत्न कीजिए, आचार्य जी का टाइम लोग जो है हम लोग इतना टाइम ले रहे हैं आचार्य जी का टाइम बचाने से बहुत बुक्स लिखेंगे, आचार्य जी के एक एक मिनट वैल्यूबल है, तो हम लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना आचार्य जी का टाइम बचेगा, आचार्य जी उतना शास्त्र पठन करेंगे, उतना बुक्स लिखेंगे हिंदी में, तो ये जो है आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, मिलके कुछ करेंगे समाज के लिए, नहीं तो जो है आपको बहुत अंधकार है, अपना बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकार है, आप कितने लोग समझते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत अंधकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी नमस्ते नमस्ते।